शन्नू, हिम्मत करो, बस थोड़ी दूर यहाँ तक। शन्नू दर्द हो रहा है? हाय हाय हाय। कमीने, घर जाके अपनी माँ से पूछना कि उसे कितना दर्द हुआ था जब तू जैसे कमीने को जन्म दिया था। माँ से पूछने की कोई जरूरत नहीं मुझे। चल पहले मैं तुझे अपना बना लूं। भगवान ये तेरी रक्षा करेगा है? हाँ। ये हाथ उठा जब कभी मजलूम की खातिर, तो नींव से उखड़ के गिरा शैतान ओ शातिर। ये गैब की ताकत है और कुदरत का है इंसाफ, हर जुल्म के, हर पाप के, अन्याय के खिलाफ। चलो जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। उफ, जीप की चाबी, टांगा भी टूट गया। अभी इन्हें अस्पताल कैसे ले जाएंगे? भगवान पर भरोसा रखो। ओ गड्डी जांदी ये बगई गोल्डन दी। भाई साहब, भाई साहब जरा रुकिए, भाई साहब रुकिए, रुकिए रुकिए भाई साहब, आप इन्हें कैसे भी हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए प्लीज भाई साहब प्लीज। बैठ जा पहना, कोई फिक्र वाली गल नहीं। चंदा तुम घर जाओ। थैंक यू भैया, अगर किसी दिन इस डॉक्टर बहन की जरूरत पड़े तो सरकारी अस्पताल में आ जाना। देखो बहन, हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलने के लिए तो मरीज बनकर जाना पड़ता है। अगर हम कभी मरीज बनकर आ गए तो हमारी जान जरूर बचा लेना। जी जी, ऐसी बात नहीं करते। चलो भैया। हाँ भाई ले जाओ। ओफो, ऐसा करो ना दारी माँ। फिर से कहा दादी माँ, जा मैं चली। अच्छा बाबा शाली, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी स्वीटी माँ, मेरी पुछी 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 माँ, जल्दी करो जल्दी करो। इतना बड़ा हो गया अब तक तेरा बचपना नहीं गया, जाने कब तक इन कंधों को बोझ उठाना पड़ेगा। बस हो गया शुरू, कब तू कमाने लगेगा, कब तू घोड़ी चढ़ेगा, कब एक सुंदर सी बहू लाएगा, तुम्हारी वही पुरानी कहानी फिर से शुरू हो जाती है। अरे कम से कम तेरी बेटी को कोई अच्छी टक्कर की लड़की तो मिल जाए जो उसके दिल के हॉर्न को जोर जोर से बजाए। पाँ 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 पाँ। आजा बबलू। जीते रहो बेटे। पर तू रोज ये इतनी सारी रद्दी कहाँ से उठा लेता है रे? क्या रद्दी दादी माँ, ये कॉलेज की पढ़ाई की किताबें हैं। एग्जाम सर पर है ना, हमें पढ़ना है। मैं घर पर बोल कर आया हूँ। दादी तेरी सारी पढ़ाई समझती है, ये कौन सा नया पहन रहा है?
हम लोग पढ़ेंगे। चल इनमें से देख ले, शायद तेरी पसंद आ जाए और तेरी घंटी टिंग टोंग बजने लगे। मुझे इनमें से कोई लड़की पसंद नहीं आई। अरे यार, तेरी घंटी है या बाबा जी का घंटा, 1001 लड़की दिखाई और एक भी पसंद नहीं आई। देख ये आखिरी लॉट है, इनमें से अगर पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं तो। नहीं यार, अरे नहीं यार। और बताइए, विलायत से आते ही आपको भारत की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला है। अब उसे नाम यानी 50,000 रुपयों का आप क्या करेंगी? सोचा ही नहीं। फिर भी पापा इज वेरी रिच यू सी। मैं वो इनाम किसी अंधों के इंस्टीट्यूशन को दान कर दूंगी। बहुत हमदर्दी है मुझे इन लोगों से। बचपन से रोज तुम्हारे मंदिर की घंटियां बजाता आ रहा है, अब इसकी भी घंटी बजा दो प्रभु। बबलू। हुकुम मेरे आका। अब तू भी कुछ कर दे यार। कहो तो दोनों की मीटिंग रखवा दूं। कैसे? अबे यार, सुना नहीं टेलीविजन पर भाभी जी को अंधों से बहुत हमदर्दी है? बबलू मुझे डर लग रहा है यार। अबे डर मर गया गधे की। जो भी देख, भाभी जी के आने का टाइम हो गया है और अगर तूने उसके आने के बाद कोई भी अबे आ गई। अबे फिर गोता खा गया तेरी तो। कभी भी निशाने पर मत जाइयो। फुल्लो मौसी। फुल्लो मौसी। अरे फुल्लो मौसी, तुम कहाँ घूम गए थे फुल्लो मौसी? अरे मैं तुम्हारी फुल्लो मौसी नहीं हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अंधा दिखा नहीं देता। माफ कीजिएगा बहन जी, वो क्या है, हमें सचमुच दिखाई नहीं देता। मेरे ख्याल से माफी तो आपको मांगनी चाहिए इन बेचारे लोगों से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब। कहिए भाई साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बस ये दिला दीजिए। मेरा मतलब है ये अंडरवियर दिला दीजिए। अंडरवियर? ये आप हमारी तरफ से रख लीजिए, एकदम नया इम्पोर्टेड अंडरवियर है। माफ करना बहन जी, लेकिन ये अंडरवियर इम्पोर्टेड नहीं है। लेकिन आपने कैसे जाना? अब आपको क्या बताए, हम अंधों की तो आंखें हमारी ये उंगलियां हैं। और फिर ऐसा मुलायम सॉफ्ट और इम्पोर्टेड से भी अच्छा अंडरवियर तो सिर्फ एक ही हो सकता है ना। लग लॉक्स अंडरवियर मैं भी मिलता हूँ। बस आप इधर है, 6 डजन पैक करा दीजिए। अच्छा। तब तक मैं इन उंगलियों से कुछ और मुलायम मुलायम देकर आता हूँ। आप अरे मौसी, आप यहाँ? मैं तो तुम्हारे चक्कर में किसी और को। माफ कीजिएगा, मैं आपकी फूलों मौसी नहीं हूँ। आपको फिर से गलतफहमी हो रही है। मौसी मुझे उल्लू नहीं बनाओ, हम अंधों की देव नहीं, 10-10 आंखें होती है, वही बाजू वही गर्दन, नरम नरम बाल, गरम गरम गाल, तिकी तिकी आंखें, मीठे मीठे होंठ, मिल गई मौसी रम पम पाश, मिल गई मौसी रम पम पाश, मिल गई मौसी रम पम पाश, मिल गई मौसी। स्टूपिड। ये हाथ है या हथौड़ा? नहीं 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 नहीं, आप मेरी फुल्लो मौसी हो ही नहीं सकती, आपका हाथ तो मेरे मौसा के हाथ से भी भारी है। यही तो मैं कह रही थी, लेकिन अब प्लीज आप रोइए मत, प्लीज आप मत रोइए, प्लीज मत रोइए आप। भैया मौसी के बिना मैं घर कैसे जाऊंगा? आप घबराते क्यों हैं? मैं आपकी मौसी को ढूंढ दूंगी। हाँ
वैसे आपकी मौसी दिखती कैसी हैं? बताऊं? हाँ? मोटी मोटी, स्वीट स्वीट, चबी चबी। फिर तो आपकी मौसी मिल गई। अच्छा, प्रोफेसर मैथमेटिक्स, दो दुनी चार, चार दुनी छह, मर गए, आ गई बुलडोजर। गुड मॉर्निंग फुलो मौसी। हेलो मौसी, ये मेरी फुलो मौसी है। हम कोई फुलो मौसी नहीं है, हम इसका मैथमेटिक्स टीचर है। 8 दिन से तुम कॉलेज से गायब है और इधर तुम अपना गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराता है। नाइस गर्लफ्रेंड। मैं तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नाम 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 बदनाम 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 टीवी 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 आ आ आ तुमको तो मैंने टीवी पर देखा था। मैंने तुमको टीवी पर देखा था। देखा था? हाँ मैंने देखा था। यानी कि तुम देख सकते हो? हाँ मैं तो देख सकता हूँ। नो 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 नो, मैं देख सकता नहीं, देख सकता कभी कभी कानों से देखता हूँ, कभी कभी आंखों से सुनता, कभी कभी देख सकता हूँ, कभी कभी नहीं देख सकता, कभी कभी भाग नहीं सकता, कभी कभी देख सकते हो। नरम नरम बाल, गरम गरम गाल, गरम गरम। देखो मेरा आइडिया, भाभी को अंधों से कितनी आमदनी। ने अपने किसानों और मजदूर भाइयों के लिए अस्पताल बनाने का इरादा किया, ये बहुत अच्छी बात है। और इस नेक काम के लिए आपने हमें अपने प्यार, अपने विश्वास के काबिल समझा, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और अपनी तरफ से इस अस्पताल के लिए 5,00,000 रुपए देने का ऐलान करते हैं। कुल मिलाकर ये 15,00,000 की हुंडियां हैं और ये रुपए गिन लीजिए। आप लोगों की इज्जत हमारे दिल में 15,00,000 से कई ज्यादा है, रुपए गिनने की जरूरत नहीं। थैंक यू जेंटलमैन। थैंक यू रानी साहिबा। 95, 96, 97, 98, 99, करेक्ट, पूरे 15,00,000 है। हाँ बेटे, ये 5,00,000 रुपए गांव वालों को दे देना अस्पताल के लिए। मैं कुछ समझा नहीं माँ, एक बात बताइए। एक तरफ से आप हुंडियों पर भारी कर्जा उठाती हैं और दूसरी तरफ वही लाखों रुपया यूं ही दान में दे देती हैं। ये दान के रुपए आने वाली इलेक्शंस में हमारे वोटों की जमानत है बेटे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप इलेक्शंस लड़ेंगे? मैं मैं नहीं, राणा रंजीत सिंह। लेकिन उनको इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? कई लोग इलेक्शंस लड़ते हैं सिर्फ रुपयों के लिए नहीं, उन्हें समाज में, सरकार में रहने के लिए एक रुतबा चाहिए, पावर चाहिए, जो हम राणा रंजीत सिंह को दिला सकते हैं इन्हीं खरीदी हुए वोटों की ताकत पर। अच्छा माँ, एक बात बताइए, ये सब करने से हम लोगों को क्या मिलेगा? राणा रंजीत सिंह की दौलत। राणा साहब की दौलत? मगर वो कैसे? कुछ ही दिन पहले राणा की इकलौती बेटी विलायत से आई है, अगर उसका रिश्ता तुम्हारे साथ हो जाए तो मैं राणा साहब की सारी दौलत का इकलौता वारिस बन जाऊंगा, है ना माँ? मानो बेटा, आज शाम को राणा साहब के यहाँ कुछ पब्लिसिस्ट, रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट आने वाले हैं। तो जाहिर है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राणा साहब की इकलौती बेटी भी जरूर आएगी। जंगल का शेर खून पीता है खून, और हम वो हैं जो दहाड़ते हुए शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन लिया करते हैं। जो लोग हमें इस चुनाव में हराने की तमन्ना लिए बैठे हैं, वो इस बात को ध्यान से सुन लें और समझ लें। ये हमारा दावा है कि हम ये चुनाव जीतेंगे, और इतनी ज्यादा वोटों से जीतेंगे कि राणा रंजीत सिंह सांगवान के मुकाबले में खड़े होने वालों की जमानत तक जब्त हो जाएगी।
बस राणा साहब इतना ख्याल रखिए कि इस इलेक्शन में आपकी हार हमारी हार होगी और हमने जिंदगी में कभी कोई बाजी नहीं हारी है। पापा। डार्लिंग। इनसे मिलो रानी साहिबा। वेलकम। विलायत के मुकाबले में हमारा ये छोटा सा शहर तुम्हें कैसे लगा बेटे? इनफैक्ट शहर बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ छोटे ख्यालों के और डरपोक किस्म के हैं। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? पापा, दोस्ती करने के लिए क्या जरूरी है कि पीछे से आ जाए, यू नो, बैक डोर, भेस बदला जाए? व्हाई नॉट लाइक अ मैन, यू नो, एक अच्छे मर्द की तरह सामने से आए, हाथ बढ़ाए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। भानु, कुंवर भानु प्रताप चौहान, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? भानु, मेरा इकलौता बेटा। श्वेता, इनकी इकलौती बेटी। श्वेता, तुम्हारी एडमिशन भानु के कॉलेज में हुई है। Oh, that's fantastic, super. Now, भानु, look after my baby. मेरे होते हुए आप पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पिछले 3 साल से पूरे यूनिवर्सिटी का फ्री स्टाइल चैंपियन हूँ। फिर तो दूर दूर ही रहना पड़ेगा। कितने पास पास लगते हैं ना दोनों, जोड़ी अच्छी है ना? हाँ जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ये बबलू क्या कर रहा है? ये भी कोई तरीका लड़कियों को देखने का? मुझे माफ कर दीजिए श्वेता जी, मैं शट अप। सामने देखकर चलोगे ना तो किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे कॉलेज में? तुम्हारा कॉलेज खरीद लिया है क्या? इडियट, रास्ता छोड़ो। एक्सक्यूज, सॉरी। नाउ डोंट मूव, घटिया आदमी। हाय हैंसम। हेलो। क्या बात है हुजूर, चारों तरफ भानु भानु भानु। हाँ ऐसे कुछ है, भानु द बॉक्सर, वोट फॉर भानु, भानु द बिग, वी वांट भानु, बाकी तो कोई यहाँ। That's it. I love you. मुझसे कितनी भी नफरत कर लो श्वेता, लेकिन मैं तुमसे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बट आई सिंपली हेट दिस इडियट, इसकी शक्ल से भी नफरत है मुझे। देखो भानु, इसे घूर घूर के देख रहा है मुझे। कहो तो आंखें निकाल दूं उसकी। भानु, कहो तो आने वाली फाइट में तुम्हारा मुकाबला इस मजनू से करवा दूं। वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। वो ऐसी गलती करेगा। तुम सबको इकट्ठा करो। दोस्तों, जाहिर है कि पिछले 3 सालों की तरह इस साल भी होने वाली फ्री स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप भानु ही जीतेगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि भानु की इस जीत में कोई मजा नहीं है। तो थ्रिल यू सी, और वो मजा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भानु बिना किसी मुकाबले के ही फाइट जीत रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस साल आज तक किसी भी मायके लाल ने भानु के साथ लड़ने के लिए अपना नाम ही नहीं दिया। शायद यूनिवर्सिटी का इनाम लड़ने वालों को जोश दिलाने के लिए काफी नहीं है। इसी कमी को पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी के इनाम के साथ साथ एक इनाम का ऐलान मैं भी करती हूं। मैं ऐलान करती हूं कि जो भी कोई भानु से इस फाइट में जीतेगा
उसे मैं यानी कि सारे कॉलेज के सामने एक जबरदस्त किस दूंगी। अगर आपका यह खूबसूरत इनाम भानु के लिए नहीं सिर्फ फाइट जीतने वाले के लिए है तो फिर भानु के खिलाफ यह फाइट मैं लड़ूंगा। मैं तेरी लाश बिछाऊंगा अकेली हूं। यहां नहीं रिंग में। छोड़ मेरा हाथ, तू हटो। डार्लिंग, क्या कर रहे हो तुम? अपना हक और तुम्हारा इनाम जो तुमने फाइट के बाद देना था वो मैं फाइट के पहले ले रहा हूं। तुम्हारा घर आ गया भानु और मुझे देर हो रही है। ओके डार्लिंग, ला 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 ला। गुड नाइट डार्लिंग, गुड नाइट। अब जाते हुए अपना कुछ भानु, मुझे लगता है तुम्हें अपने और मेरे बारे में कुछ ज्यादा गलतफहमी हो गई है। अच्छा हाँ, और एक बात अच्छी तरह से सुन लो। उस किस के इनाम का ऐलान मैंने उस मजनू को जलाने के लिए किया था, समझे? वो मजनू तो जल गया श्वेता, और तुम्हारा मजाक भी हो गया। लेकिन फाइट में अगर ये भानु जीत गया ना तो वो इस मजाक को मजाक नहीं समझेगा, वो अपना इनाम लेकर ही रहेगा। भानु, आदमी की अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। Now get lost. भाई, श्वेता, श्वेता कल मिलते हैं। लड़की की तेवर ये बता रहे हैं कि उसका दिमाग सातवें आसमान पर है और अब हमारे परों में इतनी ताकत नहीं है कि उसके साथ उड़ सके। आप कहना क्या चाहती है माँ? तुम बाखूबी जानते हो कि हमारे बुजुर्गों की कमाई हुई सारी दौलत को तिजोरी में कर्ज की धिमक चाट गई है और अब अगर हमें सर उठाकर जीना है तो सिर्फ राणा साहब की दौलत पर, और उसको हासिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मोहरा है, श्वेता। मैं कोशिश तो कर रहा हूं मगर एक सर फिरी इकलौती अमीरजादी बेटी और किसी अड़ियल घोड़ी में कोई खास फर्क नहीं होता। अगर तुम उस पर काबू पाना चाहते हो तो अपने चाबुक से उसे ऐसे मोहर लगा दो कि जिंदगी भर के लिए उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में रहे। माने तो प्यार से, और नहीं माने ये हाथ तो अब मेरे हाथ में रहेगा। मेम साहब, जानती नहीं अपने पापा का फैसला। पापा फैसला दूर कर तेरे हाथ मुझे चला दे। छठी औलाद, चुपचाप कट ले वरना तेरा एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। श्वेता घर चलो, मैं कहता हूं घर चलो, वरना मुझे तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाना होगा। जबरदस्ती? कम ऑन ट्राई। श्वेता मेरी होने वाली मंगेतर है और ये हमारा अपना आपस का मामला है। चलो श्वेता, छोड़ो मेरा हाथ और यहां से चुपचाप चले जाओ। अगर पापा को मैंने तुम्हारी इस नीच हरकत के बारे में बता दिया ना
तो शादी तो क्या, तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। छोड़ दो मेरा हाथ। श्वेता, तुम अभी अपने आप में नहीं हो, और तू रिंग में अगर तेरी लाश ना बिछा दी ना, तो मैं भी अपनी मां का बेटा नहीं। वाह, क्या दोस्ती है। आज अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो पूरी की पूरी निप गई होती। अच्छा श्वेता जी, आपने तो कॉलेज में यह ऐलान किया था कि आप वो किस फाइट की बात देने वाली है। अब यह तो बड़ी ज्यादती हो गई आपसे कि यहां फाइट हुई नहीं और आप लोग यहां पहले से ही अकेले में। आई एम सो सो सॉरी मैडम, ये तो आपका, आपके मंगेतर का आपस का मामला है ना। मैं साला कबाब में हड्डी कहां से टपकाया। लेकिन एक बात बताइए श्वेता जी, सीरियसली हाँ, कि आप अमीरों में आपस के मामले क्यों ही सुलझाए जाते, रस्ते पे, सड़क पे। शट अप विल यू, शट अप को डालो अपनी जेब में। पहले मानो मेरा एहसान, एहसान मानो कि मैं यहां वक्त पर पहुंच गया, वरना तुम्हारा वो होनहार मंगेतर शादी से पहले तुम्हारे साथ सुहाग रात। शट अप, तुम्हारे जैसे घटी आदमी का एहसान और वो भी श्वेता सामान ले। नेवर, तुमने मेरी इज्जत बचाई है ना, ये लो मेरी इज्जत बचाने की कीमत, और तफा हो जाओ। और अगर इससे भी पेट ना भरे तो घर आके तुम्हारी जितनी भी औकात हो मेरे पिताजी से मांग लेना। या सुनो मिस श्वेता सांगवान, तुम इतनी खूबसूरत हो ही नहीं जितना मेरे अंधे प्यार ने तुम्हें समझ लिया था। जाकर अपने करोड़पति बाप से कहो कि ये नोट डाल दे अपने सूदखोरी धंधे में, और उसकी औकात से ऊपर अगर कोई लड़का मिला तो ये नोट तुम्हारे दहेज में काम आएंगे। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी इज्जत की कीमत सिर्फ इतने से नोट है, तो मैं कहीं से भी कमा कर लाता, आकर तुम्हारे बाप के मुंह पर फेंकता और तुम्हारी। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी इज्जत की कीमत सिर्फ इतने से नोट है, तो मैं कहीं से भी कमा कर लाता, आकर तुम्हारे बाप के मुंह पर फेंकता और तुम्हारी। ये हाथ तो अब मेरे हाथ में रहेगा मेन साहब, जानती नहीं अपने पापा का फैसला। मेरे पापा फैसला दूर कर तेरे हाथ मुझसे। तो उसने नोट मारे हैं ना। अबे मजनू को तो लोगों ने पत्थर मारे थे पत्थर, मगर उसने कभी अपने लैला को भूल जाने का तो नहीं सोचा। मेरे दोस्त, असली प्यार था ना। भगत जी, यूं ना ना करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे फाइट ना लड़ने का मतलब है भानु की जीत, और भानु की जीत का मतलब है श्वेता का इनाम, और उस इनाम का मतलब भानु सरे बाजार भरी पब्लिक के बीच में श्वेता के पास जाएगा, उसे अपनी बाहों में भरेगा, उसके मुंह को पकड़कर अपने होठों से उसके होठों को। और इस कुश्ती का सबसे बड़ा अंदाज यह है कि यह कुश्ती तब तक चलती रहेगी, रोकी नहीं जाएगी, कि जब तक एक फाइटर नहीं कर देता।
दूंगा श्वेता को। Ah!
आज कितने पैसे लाए हो इस गरीब को देने के लिए मेम साहब? कि मुझे मां इतना प्यार करते थे तुम मुझसे और मैं तू कौन है बेटी? तू विकी की दोस्त है? इस बंदर ने जरूर उल्टा सीधा कहा होगा। चल चल मेरे साथ, तू चल ना मेरे साथ। कोई काम से? क्या कहा तूने इसे? हाँ बोल। कुछ भी तो नहीं माँ। ए मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? मैंने कुछ कहा तुम्हें? मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता सांगवान। मेरे साथ पढ़ती, मेरे कॉलेज में। मैंने तुझे पूछा? नहीं। बक 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 बक। चल माफी मांगी से। चल श्वेता मुझे हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना बेशरम। बेटी मैं दीप पूजा कर लूं, फिर आराम से बातें करेंगे। आ अंदर आ। चल गोपाल गोविंद। चल बेटी अब तेरे साथ बैठ के बातें करूंगी। नहीं दादी माँ मैं जाती हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहा है? दो एक दो कसरत दो। अरे बंदर पागल कहीं का। दादी माँ पहला गो जीती रहे बेटी। अच्छा मैं चलती दादी माँ, मैं फिर आऊंगी। अरे संभल के। दीदी दूध। दीदी दूध लेकर आए। तुम्हें कभी हुआ है? नहीं मुझे हुआ है। क्या तुम नहीं समझोगी? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। दो घंटे के बाद समझी? नहीं मेरी चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी है, आई लव यू। डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो ना श्वेता, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? श्वेता एक बार बोल दो, सिर्फ एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। देखो श्वेता झूठ नहीं बोला, चुप मत रहना, कुछ तो कहो श्वेता वरना मैं मर जाऊंगा, लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। बस श्वेता एक बार ये बोल दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बोलो ना श्वेता, प्लीज श्वेता बोल ना। ठीक है श्वेता मत बोलो। नाटक शट अप विकी, नाटक बंद करो और ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तेरी फैंटी मेरी लाइफ बन जाएगी आज, तू बोली दे तुझे मेरी कसम। इसमें कसम देने वाली कौन सी बात है?
सीधी सिंपल सी बात है, मैं तुमको बोल बोल अच्छी लगती हूँ। जल्दी बोल। और तुम मुझे अच्छे लगते हो। उसके बाद मैं तुमको आगे बोल बहुत 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 क्या प्यार करती हूँ। साहिबा, त्रिपाठी की मीटिंग देखकर हमें ऐसा लगा कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर हम ये इलेक्शंस हार गए तो। राणा साहब, बहुत ही मजबूत गिरफ्त है हमारी। अगर आप चाहें तो जो उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े हैं उन्हें हम आपके हक में बिठा सकते हैं, फिर आपका मुकाबला सिर्फ त्रिपाठी से रहेगा और उसको हराना कोई बड़ी बात नहीं। और फिर जब तक आपको हमारा साथ हासिल है, इस मुकाबले का सिर्फ एक ही पहलू रह जाता है और वो है फतह। चीयर्स। बस ये इलेक्शन की फिक्र आप हम पर छोड़ दीजिए, कुछ अच्छी अच्छी बातें करें। बच्चों के बारे में आपने कुछ सोचा है? श्वेता से आपने बात कर ली है? रानी साहिबा, श्वेता हमारी बेटी है, वो वही करेगी जो हमारा फैसला होगा। और वैसे भी हमारे खानदान में रानी साहिबा बच्चे माँ बाप के खिलाफ नहीं जाते। सोनू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। एक बार देना प्लीज। वो तो आंख बंद करवा दी थी तुमने और फिर पप्पी देके भाग गई। ऐसा भी कभी होता क्या? शर्माती है ना। ए चलो जल्दी वरना मेरा गुस्सा बहुत खराब है। चलो किधर है? इधर है। दूसरा हाथ किधर है? किधर है, किधर है? दूसरा हाथ मेरी कमर पर है। ओह नो। यस। वो क्या है ना कि सोनू की लुच्चे लफंगे मवाली। मैं लुच्चा हूँ, लफंगा मवाली हो? जी हाँ, तुम लुच्चे हो, लफंगे हो, मवाली हो। ये अमीर लोग होते ही ऐसे, एक तो पप्पी नहीं देते और उसके ऊपर गुंडा भी बुलाते। जाओ, हम आपसे बात नहीं करते, हम आपसे कट्टी 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 तो कट्टी। ऐसा ऐसा अरे रुको यार, अरे ठहरो यार, मैं पानी में कूद जाऊंगा। कूद जाओ, मुझे तैरना नहीं आता। नो प्रॉब्लम। अरे यार डूब जाऊंगा। तो डूब जाओ ना, जान छूटेगी। अरे दुनिया वालों याद रखना, मैं अपनी सोनू के लिए जान दे दूंगा। दे दो। जय मैया सोनू सांगवान की। हैया विकी। इडियट। Thank you.
सोनू, सोनू एक बात बताओ सोनू। क्या? अगर मैं सचमुच डूबकर मर जाता। ऐसे कैसे मर जाते? नहीं, अगर मैं मर जाता तो मैं भी मर जाती। सच? सच। विकी, 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 कहो तुम, जाओ तुम्हें मेरी कसम। सोनू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट आई लव यू सोनू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार। नहीं, डोंट टच मी। बस यही तक था तुम्हारा प्यार मेरे जिस्म तक, बस। अगर यही तुम्हारा प्यार है तो डू इट, कम ऑन, डू इट, डू इट टू मी, आई सेड डू इट टू मी, डू इट टू मी, आई सेड डू इट टू मी, डू इट टू मी, डू इट टू मी। सारी दुनिया में एक तुम्हारी आंखों में पाप देखना था मुझे, वो भी मेरे लिए पाप, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए। दुनिया में तुम्हारी आंखों में पाप देखना था मुझे, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए। सोनू, मेरी आंखों में पाप तुम्हारे लिए नहीं। सोनू, क्यों?
इन आंखों में तुम्हारे लिए पाप आ गया था ना, इसलिए के बाद अगर कभी हमारी बेटी की तरफ नजरें उठी तो प्यार इससे मैंने किया है पापा, और प्यार करना कोई पाप नहीं। इन मुर्दा तस्वीरों में सुराख करके तुम श्वेता के दिल से विकी को तो नहीं निकाल पाओगे। भानु का काम खुद राणा साहब कर रहे हैं, उन्होंने शमा और परवाने को अलग कर दिया है। मतलब ये कि पिछले 3 दिनों से श्वेता बंद पिंजरे में किसी पंछी की तरह भड़क रही है। साहब, बिटिया ने आज भी खाने से इनकार कर दिया। माँ की बच्ची के साथ कहीं मैंने ज्यादती तो नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बेटे, अब तेरी भलाई सोचने का भी हक नहीं रहा मुझको। यह भागा जो तेरा बाप भी था और मां भी, 3 दिन के अंदर तेरा दुश्मन बन गया क्या? ठीक है, तुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, और फिर मैं कब तक हूं? एक ना एक दिन तो जाना ही है मुझको, लेकिन वहां जाकर जाकर तेरी मां को क्या जवाब दूंगा कि अपनी जिद की खातिर मैं, अपनी जिद की खातिर मैंने उसकी उसकी लाडली की खुशियां छीन ली, अपने पापा को माफ नहीं करेगी बेटी। हाँ बेटा, तू जो कहेगी वही होगा, जो तू कहेगी वही होगा। बुलाओ उसे, बेटी का बाप हूं ना, मैं बात करूंगा उससे। टिंग टोंग। आज की ताजा खबर, राणा रणजीत सिंह सांगवान अपनी सुपुत्री कुमारी श्वेता सांगवान की शादी श्री विक्रम वीर प्रताप सिंह के साथ करने को राजी हो गए हैं। विक्रम वीर प्रताप सिंह की धर्म पत्नी बनने का मतलब जानती हो तुम? जब तुम हमारे घर में
हमारे घर की इज्जत बनकर आओ तो सिर्फ तीन कपड़ों में। तीन? शट अप, हमारे पास गाड़ी नहीं है। पैदल चलूंगी। बंगला नहीं, झोपड़े में रहूंगी। मेरी दादी माँ है, वो मेरी भी माँ है। बर्तन घसना, कपड़े धोना, किचन की सफाई, झाड़ू कटका, ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे? हाँ हाँ, तुमको ही करना पड़ेगा। जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी खुशी है हमारी बेटी, और उसकी खुशी हो तुम। हाँ बेटा, दुनिया पलट जाए पर हम श्वेता की आंख में आंसू नहीं देख सकते। हम तो खुद चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों एक हो जाओ, लेकिन उसमें एक अड़चन है। पैसा? इससे पहले कि हम नोटों की गड़ियां तुम्हारे सामने रख दें और तुमसे कहें कि हमारी बेटी की जिंदगी से बाहर निकल जाओ और तुम वही नोट उठाकर हमारे मुंह पर फेंक दो, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे बेटा। हमें श्वेता ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे पास इज्जत है, कैरेक्टर है, लेकिन दौलत नहीं, जिसकी हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे परवाह है, क्योंकि जिस दौलत का इशारा आप मुझे करना चाह रहे हैं, भूल जाइए राणा साहब कि उस दौलत के लिए मैं आपका कोई एहसान लूंगा। एग्जैक्टली, हम दिल से जानते तो तुम यही जवाब दोगे। तुम्हारे जैसा खुददार आदमी एक झोंपड़े में रहेगा, भूखे पेट सो जाएगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार एक बाप की हैसियत से सोचो, क्या हम श्वेता को एक झोंपड़े में रहता देख सकते हैं? हमें क्यों? क्या तुम जो उससे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते हो, उसे भूखे पेट सोता देख सकते हो? प्यार में खुशियां और सुख दिए जाते हैं बेटा, गम और दुख नहीं। मैं कुछ समझा नहीं राणा साहब। ये जेवरात 25 लाख रुपए के हैं, बीमा कंपनी में हमने इनका बीमा करवाया हुआ है। ये गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो बीमा कंपनी को हमें 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और अगर ये 25 लाख रुपए तुम्हें मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है, मगर इस बात के पीछे कोई दूसरा मतलब ढूंढने जाओगे तो कहोगे कि ये काम गलत है, जुर्म है, पाप है, मगर अपने घर, श्वेता, तुम्हारी मोहब्बत और हमारी इज्जत की सोचोगे तो ये हमारे तुम्हारे स्टेटस की बराबरी का राज है जो हम दोनों के बीच ही रहेगा। विकी बेटा, मैं बालकनी का दरवाजा खुला रखूंगा, तुम रात को यहां आओ और राणा साहब, और तिजोरी से सारे जेवरात ले जाओ बेटा। आप मुझे एक जुर्म, एक चोरी करने को कह रहे हैं? बीमा कंपनी वालों को तो चोरी की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, हालांकि हमारी नजरों में ये तुम्हारे और हमारे बीच एक समझौता होगा। सच पूछो तो हम दिल से तुम्हें अपना बेटा मान ही चुके हैं, अब अगर तुम्हारा दिल गवाही ना दे और तुम हम पर भरोसा ना कर सको कि जैसे हम श्वेता के डैडी हैं वैसे ही तुम्हारे भी। नहीं डैडी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है बेटा। डैडी, चलता हूं डैडी। डैडी, श्वेता ये सब जानती है? नहीं बेटे, श्वेता के दिल में तुम्हारी इज्जत बनी रहे इसलिए उसका ना जानना ही बेहतर है। थैंक यू डैडी। गॉड ब्लेस यू माई सन, एंड थैंक यू।
मत समझना बेटा, यह सब बहुत जरूरी था। पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी कि चोर आया था, हमने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। उन्हें ये सब चीजें टूटी हुई नजर आएंगी, बिखरी हुई नजर आएंगी, तभी तो हमारा झूठ सच महसूस होगा। मुझे माफ कर दीजिए, कुछ देर के लिए मैं आपको गलत समझ बैठा था, मुझे माफ कर दीजिए राणा साहब। राणा साहब नहीं बेटा, डैडी। ये जेवर संभाल के ले जाना बेटा। जी डैडी। समझाइए ना कि मैं चोरी करने थोड़े आया हूं। तो तू ही ऊपर अंधेरे में मारपीट कर रहा था, जेवर चुरा कर भाग रहा है और कहता कि मैं चोर नहीं। लेकिन ये सब तो आप ही ने मुझे कहा था डैडी। हमसे रिश्ता जोड़ता है घटिया आदमी, चोर की औलाद। पकड़ो इसे और पुलिस को फोन करो, उनसे कहो कि रंगे हाथों गवाह और सबूतों के साथ पकड़ा इसे। राणा साहब आपने मुझे धोखा दिया, ये झूठ है राणा साहब, यह हकीकत है, ये सच्चाई है और इसका सबूत है ऊपर के कमरे में, सेफ के अंदर, सेफ के बाहर, इन जेवरों पर तुम्हारी उंगलियों के निशान। क्या झुठला सकोगे पुलिस के सामने? क्या कहोगे अपनी सफाई में? क्या कर रहे थे यहां रात के अंधेरे में? कहां ले जा रहे थे ये जेवर? जेल की सलाखों के पीछे जाने का इंतजाम तुम खुद कर चुके हो और जब उस बुढ़िया को पता चलेगा कि उसके खानदान का आखिरी चिराग चोरी के जुर्म में जेल के अंदर बंद है, दोनों सलाखों के पीछे वो सर मार मार कर मर जाएगी। राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, मैं सब समझ गया, मैं आपकी सारी बातें समझ गया राणा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, अब वही होगा जो आप चाहते हैं। मैं श्वेता से कभी नहीं मिलूंगा, अपनी मनहूस शक्ल उसे कभी नहीं दिखाऊंगा, उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा। ये मेरा वादा रहा राणा साहब, ये मेरा वादा रहा, लेकिन मेरी बात, और अगर वादा खिलाफी हुई तो याद रखना तुम्हारे चोर होने के सारे सबूत हमारे पास हैं, हम जब चाहें तुम्हें जेल भेज सकते हैं, और तुम्हारे जेल जाने का मतलब है बुढ़िया की मौत। सीमा, रीमा, बिट्टी, मीना, शोभा, सब हो गए। बॉयफ्रेंड। माय डियर बिटिया रानी, एक बात बताओ, तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड ने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे किसी भी जन्मदिन पर ना पहुंचने की जरूरत की है? रिपोर्टिंग टाइम 8 o'clock शार्प, ठीक 8 बजे, ओके, बाय बाय। अब असली बॉयफ्रेंड। हेलो हेलो, जाओ, हम आपसे बात नहीं करते, हम आपसे कट्टी कट्टी कट्टी। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि कल आपकी होने वाली उनका बर्थडे है? तो जाहिर है कि आप एक खूबसूरत सा तोहफा लेकर। मैं वहां नहीं आऊंगा। और मैं देखती हूं कि तुम यहां कैसे नहीं आते। मुझसे मत पूछना कि मैं वहां क्यों नहीं आ सकता, पर अगर पूछना तो जाकर अपने मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि कल तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी पर आना है और तुम आओगे, तुम्हें मेरी कसम। अब देखती हूं कैसे नहीं आता। श्वेता। पापा। बेटा और कितनी देर इंतजार करोगे? हो सकता है वो बेचारा किसी काम से अटक गया होगा। मेरा बर्थडे और विकी ना है, वो आएगा पापा, जरूर आएगा। अब वो क्या आएगा? राणा साहब जल्दी से केक कटवाइए वरना बर्थडे की तारीख बदल जाएगी। आखिर मालूम तो हो जाए किसका इंतजार हो रहा है। जी बस थोड़ी देर में शुरू करते हैं, एक्सक्यूज मी। उसको तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था श्वेता, हमारे मेहमान, तुम्हारे दोस्त सब हमसे पूछ रहे हैं, पता नहीं अब वो आएगा या नहीं। पापा
वो आएगा, जरूर आएगा, सिर्फ 5 मिनट और। बेटी, पुलिस वालों का अंदाजा तो ये कहता है कि जो बॉयफ्रेंड 2 घंटे में नहीं आया वो 5 मिनट में नहीं आ सकता। नहीं अंकल, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। पापा, 5 मिनट और प्लीज। ठीक है, अगर वो 5 मिनट में नहीं आया तो वो केक तुम अकेले काटोगी, समझी? जी। चलो कमिश्नर, चलो। बरखुदार, आप अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े हुए हैं। अंकल, ये विकी है, मैं असली बॉयफ्रेंड। ग्लैड टू मीट यू यंग मैन। प्लेजर इज माइन सर। देखो बेटी, वो तुम्हारे बाप का टेम्परेचर मुझे कुछ ज्यादा उबलता हुआ लग रहा है, इसलिए पहले चल के केक काट दो। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले उधर। श्वेता का जन्मदिन मुबारक हो डैडी। खाइए ना डैडी। कमिश्नर, एक मिनट। मेरे डैडी बहुत परेशान है। एक्सक्यूज मी, राणा साहब आपको बुला रहे हैं। हाँ तो बरखुरदार, तुम ये कहना चाहते हो कि राणा साहब ने खुद तुम्हें अपने घर में बुलाकर अपने ही घर में चोरी करने का प्लान समझाया। जी। उसके बाद बालकनी का दरवाजा खुला रखा और तुम्हें चाबियां भी लेने दी। जी। हाँ, ये कहा कि तिजोरी से जेवरात निकाल लो, साथ साथ ये भी कहा कि देखो बेटे, इन्हें जरा संभाल के ले जाना। जी हाँ। विल यू शट अप? आप मुझ पर यकीन करें ना करें, लेकिन सच यह है कि यह सब करने के लिए राणा साहब ने खुद मुझसे कहा था। मैं ये पूछता हूँ कि राणा साहब ने क्या कहा था तुम्हें? यही कहा था कि क्या कहा था राणा साहब ने तुम्हें? राणा साहब ने ये कहा था कि ये जेवरात 25 लाख रुपए की।
बीमा कंपनी में हमने इनका बीमा करवाया हुआ है। ये गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो बीमा कंपनी को हमें 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और अगर ये 25 लाख रुपए तुम्हें मिल जाए तो मुझे जुर्म एक चोरी करने को कह रहे हैं। भरोसा ना कर, श्वेता के डैडी हैं वैसे ही तुम्हारे भी। श्वेता के दिल में तुम्हारी इज्जत बनी रहे इसलिए उसका न जानना ही बेहतर है। श्वेता, आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। मैंने ये टेप रिकॉर्डर ऑन करके इस कमरे में इसलिए रखा था ताकि मैं अपनी शादी की बातें सुन सकूं, लेकिन सुनने को मिला आपका झूठ, आपका फरेब, आपकी धोखेबाजी। विकी ने चोरी की नहीं पापा, आपने उससे चोरी करवाई है। आपने विकी को ही नहीं अपनी बेटी को भी धोखा दिया है। आप विकी के ही नहीं मेरे भी दुश्मन है, मेरे प्यार के दुश्मन है। और अगर आप मेरे प्यार के दुश्मन थे ही तो फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा डैडी, आपके दुश्मन आपके सामने खड़े हैं। उठाइए बंदूक और चलाइए गोली, खत्म कर दीजिए अपने दुश्मनों को। उठाइए बंदूक, चलाइए गोली। जरूर चलाता गोली, जरूर चलाता, लेकिन लेकिन हमारे कानून की जबान में इसे फ्रॉड कहते हैं राणा। सॉरी माय बॉय। रात बहुत हो चुकी है सोनू, अब हम अपने घर चले। जो चीज मुझे चाहिए राणा साहब वो मेरे पास है, और ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और वैसे भी अगर विक्रम वीर प्रताप सिंह को श्वेता को यहां से इस तरह से ले जाना होता तो उसके लिए उसे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज आप वो इजाजत देने का हक खो चुके हैं डैडी। आज आपको फैसला करना होगा, आपको अपनी झूठी जिद चाहिए या अपनी बेटी। और अगर बेटी चाहिए तो उसके प्यार को भी मानना होगा, क्योंकि कोई इस घर में वही इज्जत देनी होगी जिसका वो हकदार है। कोई नहीं, मेरे जीते जी उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, समझे तुम? तो फिर मेरे लिए भी आपके इस घर में कोई जगह नहीं, समझे आप? भवानी सिंह, पीछे हटो। I said get aside, get aside। एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारे प्यार को कभी हमारी कमजोरी मत समझना। काट कर रख देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे, जो आज के बाद एक कदम इस घर से बाहर रखा, समझे? You don't have the guts to stop me. चलिए मुझे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए मेरे, but you don't have the guts to stop me. शेरा को अब तो क्या? बाहर नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। You yummy. कुछ ठीक नहीं हुआ सोनू। क्या ठीक नहीं हुआ? मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। क्यों? मेरे कारण तुम्हारा सब कुछ छिन गया, तुम्हारा घर बार, महल, नौकर चाकर, तुम्हारे डैडी, सब कुछ छूट गया। कुछ नहीं छूटा, तुम मिल गए, सब कुछ मिल गया। विकी, विकी, अजी सुनते हो? देखो ना, तुम्हारी और मेरी हाथों की लकीरें कितनी मिलती जुलती हैं, है ना? देखो, तुम्हारी मेरी लकीरें तो कभी मिल ही नहीं सकती सोनू। अब फिर वो अमीरी गरीबी का चैप्टर खोल के नहीं बैठ जाना। अमीरी गरीबी तो है,
एज इट इज है, लेकिन तुम्हारी मेरी तो जीवन रेखा भी नहीं मिलती। अब देखो ना कितनी छोटी लाइन है मेरी और तुम्हारी कितनी लंबी। सोनू, ये तुम क्या कर रही हो सोनू? मेरी जीवन रेखा तुम्हारी जीवन रेखा से लंबी थी ना, देखो मैंने उसे काटकर छोटा कर दिया, अब ठीक है ना? क्या हुआ मेम साहब को? मेम साहब घर में नहीं है। तुम लेटी रहो माँ, कुछ नहीं होगा बेटी। वो तुम्हें मेरी कसम, तुम लेटी रहो। श्वेता घर चलो, श्वेता हम कहते हैं अपने घर चलो। आज से यही मेरा घर है। सीधी तरह घर चलती हो या जबरदस्ती? मैं तुम्हें इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले आप होते कौन हैं? सामने यूं ही झुका रहने दीजिए ताकि आपके पैरों की धूल बनकर राणा अपने आप को सारी जिंदगी आपकी सेवा में अर्पण कर सके। हमें तब तक ये फूलों के हार पहनने का कोई हक नहीं जब तक हम अपने शहर के एक एक बच्चे के तन पर कपड़ा ना डाल दें, जब तक एक एक सर पर छत ना डाल दें, एक एक भूखे के पेट को ना भाई। और अफ्रीका जितेंद्र रावल के मसालों से महक रहा, लेकिन लेदर एक्सपोर्ट पे भी आपका कब्जा हो गया है ना? जिस चीज पर मेरी आंख ठहर जाती है वो हमेशा मेरी हो जाती है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरे बेटे पर राजेश्वरी के लिए आपकी नजर ठहर गई है? राजेश्वरी मेरी इकलौती बहन है, मेरी जायदाद की आधी हिस्सेदार भी है। मेरा ख्याल है कि एक बार देख ले तो अच्छा। आप कहते हैं तो ये फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं, कब करें? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, राजी की बात कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि वो एक बार आप लोगों को देख ले तो पता चलेगा कि उसका आप लोगों के बारे में क्या ख्याल है। मैंने राजी को ऐसी तालीम दी है कि उसे पहली नजर में इंसान की असलियत का पता लग जाता है।
लगता है राजी आ रही है, उसे बताना नहीं कि आप किस लिए आए। जी ठीक है। मॉर्निंग बेटा। बेटा ये दिग्विजय सिंह जी हैं, इनका जोहान्सबर्ग में कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। हेलो, नाइस टू मीट यू। राहुल, देयर इज अ कॉल फॉर यू फ्रॉम मिनिस्ट्री। ओके, आप लोग बात कीजिए, मैं बैठता हूं। गुड लक। आइए, हम यहाँ बैठते हैं। क्या पियेंगे, चाय या जूस? चाय चलेगी। आप यहाँ केप टाउन में कोई खास काम? बेटी तुम ही बताओ मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। लगता है आप कोई महंगी चीज खरीदने आए हो, मगर सस्ते में है ना? Sharon, where are you? Sharon, Sharon, my child. क्या हुआ? राजीव साहब जीप लेकर उस तरफ चली गई। मगर क्यों? आदमखोर चीता बच्चे को उठाकर ले गया है, अभी तक 3 बच्चे खा चुका है। शिट! अरे रामू, क्या हिलर हुलर कर रहा है? इस कीमती मूर्ति पर एक खरोच भी आ गई तो साहब तुझे ठीक कर देंगे। उनका गुस्सा देखा है तूने? टोडर मल जाफरानी मेरा नाम है। मेरे पान तक को कोई चूना नहीं लगा सकता, साईं मेरे को क्या लगाएगा? मेरे बाप ने पैसा वसूल करने के लिए लेनदार का दांत उखाड़ के उसमें से चांदी निकाल लिया था। अरे मैं तो दांत क्या 5 तक को सजाऊंगा, मेरा $15,00,000 वसूल करके छोड़ूंगा। साउथ अफ्रीका का खब्बा नहीं समझता है क्या? केप टाउन का किंग समझता है? अरे ऐसे किंग 3 छके पंजों को हमने ताश की पत्तों की तरह फेंट दिया है, समझता है बात करता है? मेरा पैसा पूरा वसूल करके छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं चलिया। मेरा नाम तोड़ल मल जाफरानी है। मेरे पान तक कोई चूना नहीं लगा सकता था। तेरा सेठ किधर गया? जी वो शिकार के लिए गए हैं। शिकार के लिए गया है? मेरा $15,00,000 हजम करके शिकार के लिए गया?
किया है। बिना मैं भी उसका शिकार करूंगा, उसकी खाल उखाड़ के डोरमेट बना के अपने जूते साफ करूंगा। पर क्या फायदा है, उसमें मेरा पैसा थोड़ी उछलूंगा। ऐसे कितने का जी होगा? कोई 100-150 डॉलर का। ले जाओ यार। जी, 100-150 डॉलर क्यों ना, 100 तो मिलेगा ऐसा कम से कम। ये मोटे दाट, ये मोटे कितने का? ये तो सेठ जी बहुत महंगी है, हमारे किसी में तो नहीं आएगा। नहीं अभी चाय लेके, हमारा मुँह क्या देखा? चाय लेके जल्दी ले। हे भगवान, अब क्या होगा? ओह माय गॉड, तुम लोगों को कितनी बार कहा है कुछ भी हो जाए इस मूर्ति को हाथ मत लगाना। किसने किया ये? मैम, मुझसे गलती हुई, मेरा धक्का लगा तो टूट गई, माफ कर दीजिए। 5 लाख का एंटीक पीस है, इटली से लाए थे। वो आएंगे तो पूरा घर सर पे उठाने वाले। 5 लाख का एंटीक घर में लाके रखा, मेरा 15 लाख खा के पैदा पड़ा है। आप चुप रहिए। क्या चुप रहिए? चुप, हट। ठीक है, घनश्याम जी सब उठाओ जी, और चिपकाने के लिए कुछ चलो जल्दी। आप उनके सामने चुप रहने का कितना लेंगे? 15 का अमाउंट है, जो भी देंगे आप अगर बोले काट लूंगा। अच्छा चिपका। सुमन जल्दी, हमें इतनी भूख लगी कि हम 2-4 सेब भी खा जाएं। आप लोग भाभी, आज तो शिकार में बहुत मजा आया, मरते मरते बची मैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इसे शिकार पे मत ले जाया कीजिए। क्यों, कुछ खतरा हो गया तो? भाभी, अरे मेरी तो ननंद भी यही है, बहन भी और सहेली भी। जा तू मुंह हाथ धो के। सुमन, अरे वहां कौन है? अरे वो दिग्विजय सिंह जी आए थे क्या रजो को देखने? हाँ। उनके बारे में कुछ पता किया, कैसे लोग हैं? पता नहीं, मैंने वहां के कई दोस्तों को फोन करके पूछा कि मैं अपनी बहन की शादी दिग्विजय सिंह के बेटे से करना चाहता हूँ, तो सभी एक लफ्ज बोल रहे थे। क्या? बेचारा। अरे टोडरमल जी, वहां क्या बैठे हैं आप? यहाँ आके बैठिए ना, इस तरफ। हाँ आता है ना, डरता थोड़ी है। आई आता हूँ अभी। हाँ कम ऑन टाइगर, कम ऑन, कम ऑन, चलो। कहिए टोडरमल जी, कैसे आना हुआ? जी वो ऐसा है, आपने बताया नहीं कि कैसे आना हुआ है। आपने बताया नहीं कि कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे गुजर रहा था, बोला आपसे मिलता जाऊं। एक कुत्ते ने आपको बहुत परेशान किया है, आप आराम कीजिए, मैं तो चलता हूँ। ये कैसा आदमी है बाबा, बार बार बंदूक निकालता है। ए भगवान, इस शेर के लिए कोई 1.25 शेर भेज देना। मिस्टर हीरा। यस सर। हमने जिस साने जख्म का पता लगाने के लिए तुमसे कहा था सर, उसी के कैसीनो में हम जा रहे हैं। वेरी गुड, तुम इस बैग के डालो गिनो, तब तक मैं सानिया को आजमाता हूँ। ओके, सी यू। मैडम, टेबल नंबर 8 पर एक कस्टमर $2 लाख की बाजी लगाना चाहता है, अगर वो जीत गया तो पूरा कैसीनो बिक जाएगा। उसका बैग कैसा है? बहुत भारी है। ठीक है, मैं आती हूँ। ओके मैडम। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक बोतल की तरह, एक जाम की तरह। बोतल पिलाते पिलाते खाली हो जाती है, और जाम पीते पीते लोग खाली हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात कही है, क्या बात, क्या बात कही है, बहुत घटिया बात कही है। हाँ तो हुजूर, हम खेल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे कसीनो की किस्मत में आप जैसे मेहमान हर रोज नहीं आते, इसलिए मैं कसीनो का कायदा तोड़कर आपको $2 लाख की बाजी खेलने की इजाजत देती हूँ। वेरी स्वीट ऑफ यू। आओ, नाउ नंबर 3 इज माय लकी नंबर, एंड नाउ स्टार्ट। आप खिलाड़ी कम शिकारी ज्यादा लगते हो। सही फरमाया आपने,
खेल हमारा शौक है और शिकार हमारी जिंदगी। शिकार में कभी कभी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है मिस्टर सिंघानिया। इसीलिए तो हम अपने दोस्तों से हमेशा कहते हैं कि अगर जान की फिक्र है तो शिकार खेलना ही नहीं। एक्सक्यूज मी मिस्टर सिंघानिया, मेरी आवाज को क्या? मेरी नहीं। आई एम सो सॉरी। फॉर व्हाट? मैं आपके लिए लकी साबित नहीं रही। आप 5 मिनट में $5,00,000 हार गए। 5 मिनट में $5,00,000 नहीं, $25,00,000। अगर 5 मिनट बिजनेस कर लेते तो 20 लाख और कमाते। बाय द वे मिस्टर सिंघानिया, सपने देखती हो? कभी कभी। अगर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती हो तो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे सकती हो। और सुनो, दरवाजा सिर्फ बेडरूम का ही होना चाहिए। हेलो। तुम फूल लाई हो, एकदम तुम्हारी तरह महक रहे हैं। ये निशान कैसा? ये निशान नहीं, निशानी है। कहो कैसे आना हुआ? मेरे सपनों को हकीकत में बदलने। आओ 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 आओ। पता नहीं, कभी तुम पे बहुत प्यार आता है और कभी कभी डर लगता है। मेरी शक्ल इतनी खराब है। इसलिए जब भी कोई लड़की मेरे साथ हम बिस्तर होती है, मैं अपनी शक्ल रुमाल से ढक लेता हूँ। बिचारी का ब्लाउज। क्या कर रहे हो? बड़ी खूबसूरत लग रही हो। काश मैं आपके बारे में ऐसा बोल सकती। तुम भी बोल सकती हो, मेरी तरह झूठ बोलना सीख लो। क्या इरादा है जनाब का? पार्टी देने का इरादा है। पार्टी? थैंक यू। तुम्हें नहीं, तुम्हारे यहाँ के पतियों को। पतियों को? मेरा मतलब है करोड़ों पतियों को। कितनों को जानती हो? सत्य प्रकाश यहाँ के बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट के। मिस्टर जॉनसन बहुत बड़े बिल्डर। मिस्टर इब्राहिम यहाँ के बहुत बड़े होटल। और सबसे बड़े मिस्टर विजेंद्र सिंह रावल यहाँ के बहुत बड़े मसाला के। सबको बुलाना और इसको तो जरूर बुलाना। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो। हाय, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम वेलकम। सिट डाउन एवरीबॉडी, सिट डाउन। मिस सानिया, इन लोगों की खातिरदारी में अगर कोई भी कमी रह गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नो। मिस्टर सिंघानिया, आपने ये तो बताया नहीं कि आपने ये पार्टी किस खुशी में दी। माय डियर फ्रेंड्स, जब मुझे ये पता चला कि मेरे दादाजी पहले मसाले की बिजनेस में थे, तो मैंने भी ये फैसला किया कि मैं आगे से साउथ अफ्रीका के अंदर मसाले का ही बिजनेस करूंगा। तो अब हमारा ये फैसला है कि आगे से आप लोग सिर्फ हमसे मसाला खरीदेंगे और दुनिया की कोई भी पार्टी अब आप लोगों को मसाला बेच नहीं पाएगी। इज दैट क्लियर? सिंघानिया, या आप हमें धमकी दे रहे हैं? समझते क्या अपने आपको? साउथ अफ्रीका का नया मसाला किंग। सीधी सी बात है, जो मसाला आप लोग साउथ अफ्रीका के अंदर 1000 रैंड में खरीद रहे, अब वो आपको 500 रैंड में मिला करेगा। जाहिर सी बात है, आप लोग मुझसे ही मसाला खरीदोगे। उसके पहले आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे मिस्टर सिंघानिया। वो क्यों? आधे दामों में मसाला बेचकर आपको हर साल कम से कम 200 करोड़ का घाटा होगा। इस रफ्तार से आप कब तक घाटा उठाते रहेंगे? हा? आप मेरे नुकसान की कम अपने फायदे की ज्यादा सोचिए।
मिस्टर अमीन, हमने सुना है कि आप केप टाउन के मसाले के अच्छे बिजनेसमैन हैं, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम केप टाउन की एजेंसी आपको देंगे। मुझे मंजूर है। वेरी नाइस। सो केप टाउन गोज टू मिस्टर अमीन। या केप टाउन इज योर्स एंड अर्बन गोज टू मिस्टर कासिम भाई। मिस्टर हीरा, यस सर, बाकी के टुकड़े बाकी लोगों में बांट दो। ओके सर। ओके मिस्टर विजेंद्र सिंह एंड व्हाटएवर, सी यू। हेलो। अरे वो महेंद्र प्रताप सिंघानिया है ना? कौन महेंद्र प्रताप सिंघानिया सर? जो साला इंडिया से आया हुआ है। हाँ सर। पता करो आप कहाँ है वो। कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगा कोई कमरे में आया था। हाँ? ये देखो, यह मेरी तस्वीर थी, वो गायब है। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देखकर आज कल लिख रहा हूँ। भाभी, उसने तो गजल भी लिखी है। तस्वीर? ओह माय गॉड। राजी, कोई चोर होता तो कीमती जेवरात ले जाता ना। याँ। कहीं तुम्हारा कोई आशिक तो नहीं जो तुम्हारी तस्वीर चुरा ले गया है? ओ भाभी। हाँ? नहीं। डैनी, मैं बोल रहा हूँ, उसका फोन आया था क्या? किसका सर? महेंद्र सिंघानिया का। नहीं सर। कभी पार्टी के इनविटेशन, कभी फोन, ये है कौन जिसने आपको मुझसे छीन लिया है? Hey, mind your own business. Leave me alone. आपको अकेला छोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? आपके पास तो आपका बिजनेस है, आपका शिकार है, आपके दोस्त हैं जिनके फोन का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरे पास तो सिर्फ आप है ना। यू नो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपका शौक पूरा करने के लिए दुनिया के कोने कोने से खरीद के लाए हुई इन चीजों में से मैं भी एक हूं। ये जान, ये जुबान। Get lost! चलिए, बहुत हो गया। शुक्र है किसी बहाने आपने मुझे छुआ था, पर न तो मैं इसके लिए भी तरस गई थी। अरे ग्लास भरी आए पुट्टे, माल पानी मुआ तेरे को पैसा देके मरना है मेरे को क्या? भाई जाफरानी, गोजी में मेरा माल अटका पड़ा है यार, $1,00,000 दे दे, मैं छुट्टा हो जाऊं। झूलेलाल कसम से तेरे को दुआएं देगा दादा। अरे विजेंद्र रावल की, हाँ मेरा माल अटका पड़ा हुआ है यार, ब्याज तो ब्याज, असल पूछता हूँ तो बंदू को दिखाता है चरिया। वो क्या समझता है हम पैसा वसूलने करेगा? पेट फाड़ के निकालूंगा माल, पर क्या करे मेरा दिल है ना पागल है साला। कौन विजेंद्र सिंह बोल रहा है? विजेंद्र सिंह रावल? हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं महेंद्र प्रताप सिंघानिया बोल रहा हूँ, बोलो क्या कर सकता हूँ। मेरे साथ शिकार पे चलोगे? शिकार को? इतनी रात को? आदमखोर भी तो रात ही को निकलते हैं।
मौत की आंखों में आंखें डालकर देखने का अपना ही मजा होता है हुजूर। जिंदगी जिस चक्कर में दस्तक दे, महेंद्र प्रताप के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। मैं जानता था आप जल्दी सोने वालों में से नहीं हो। हमने अपनी आंखों को इतनी आजादी नहीं दी जो वक्त पहले सो जाए। मैं आधे घंटे के अंदर आपके घर पहुंचता हूं। ओके, मैं 15 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। ओके, आई लव यू बेबी। आज भी जिगर वाले मालूम होते हो साई। ये ऐसे कैसे डांस कर रहे हो? ये कर्जा दे दे के ऐसा साई हालत हुआ हमारा। किसको कर्जा दिया था? ये विजय नरवाल को दिया हूँ यार मेरे भाई। $15,00,000 देखे बैठा पड़ा हूँ, निकलवा दो तो आधा तुम्हारा। चलो भाई। चलो ये काम मैं तुम्हारा फ्री कर दूंगा। अच्छा? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ कैसे। अरे काफी कर नहीं करूँ, मेरे पास हथियार ये देखो, ये माना वना नहीं, खाली दिखा दियो। ये हथियार देखिए, तुमने मेरा शिकार का काम आसान कर दिया। करो भाई, माल मिल जाए तो उस पे छोड़ दियो ना। ओके मिस्टर जाफरानी। हाँ जी। आज से हम लोग दोनों दोस्त हैं। अब हम किसी ना किसी शक्ल सूरत में मिला करेंगे। And I'll do your job free. ओके। ओ भाई। हमारी बात सुना तो नहीं तुम? डांस के एंजॉय किया। तेरे को जरूरत क्या दूसरों की बातें सुनने को यार? मिस्टर सिंघानिया, मैं तुम्हारी आंखों को वो आजादी दूंगा ताकि वो वक्त से पहले सो जाए। टाइमा, मैं चलता हूं। कहां जा रहे हो? जहन्नुम। और कहां? मैंने कितने बार कहा कि इसको ठीक करवाओ, उंगली भी ठीक से बैठती नहीं है। मिस्टर रावल, तुमने शिकार के लिए इतनी अच्छी जगह चुनी कि सारी रात कटने को आ गई मगर शिकार के लिए जानवर नजर नहीं आया। मिस्टर सिंघानिया, यहाँ के जानवरों से होशियार रहिएगा आप। हम जानवरों से नहीं, इंसानों से होशियार रहते हैं मिस्टर रावल। जी हाँ, खासतौर से तब जब आप उसकी जमीन पर हों। मतलब? उस दिन जो आपने पार्टी में बिजनेस का ऐलान किया था उसे भूल जाइए आप। क्यों? मुझे साउथ अफ्रीका आए 15 साल हो गए, मैंने अपना ये धंधा ऐसे ही नहीं जमाया। आप क्या सोचते हैं कि मैं इसे यूं ही छोड़ दूंगा? इस गलत फहमी मत रहिएगा। अगर मैं ना कर दूं तो तू क्या कर लेगा बे? बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा था। जब भी कोई ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है उसे खत्म कर देता हूं। मिस्टर रावल, यार तुम आदमी बड़े मर्द लगते हो यार, आओ गले लग जाओ। हरिओम।
बह जा, बह जा, गंदे फूल, बह जा। भागता गाय। हरिओम 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 हरिओम। जन्म और कहाँ के लिए आप लोगों में अपने साथी के लिए कुछ कहना है तो यहाँ आके कह लीजिए। मेरा नाम ओम श्रीवास्तव है। विजेंद्र सिंह जी की शादी हमारे गांव में हुई थी, उस नाते से आप मुझे इनका रिश्तेदार भी समझ सकते हैं। मैं अपने किसी काम के सिलसिले में यहां आया था तो अचानक अखबार में मैंने इस बुरे हादसे की खबर पढ़ी। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की मगर मेरे आंसू नहीं निकले। तब मुझे एक श्लोक याद आया, सुख संतु निर्माया भवंतिता सर्व सुख भवंतिता आयु सर्वम भवंतिता। इस श्लोक का ताल्लुक एक कहानी से है। एक माँ अपने नन्हे से बच्चे को लेकर जंगल से गुजर रही थी। इतने में अचानक एक सांप ने उसके बेटे को डस दिया। बेटा मर गया। माँ रो रही थी। एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। माँ ने क्रोध में आकर शिकारी से कहा कि मार डाल इस सांप को, इसने मेरे बेटे को डस लिया। तब सांप ने हाथ जोड़कर मां से कहा कि हे मां, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, यह सब तो मैंने महाकाल की आज्ञा से किया। मां ने महाकाल को ललकारा। अंत में महाकाल मां को बोले कि हे मां, इसमें मेरा भी कोई अपराध नहीं, ये सब तेरे बेटे के पिछले कर्मों का फल था। उसे इतने ही दिन तेरा संग साथ और तेरी ममता का आंचल मिलना था, अर्थात उसका समय पूरा हो गया था। हमारे विजेंद्र सिंह जी का भी समय पूरा हो गया था। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान विजेंद्र सिंह जी की आत्मा को शांति दे। हमारी यह हमदर्दी किसी के घाव तो नहीं भर सकती मगर उसे यह सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे सकती। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति न सर्वाध्याय पुष्मंगय सुमन, ये क्या बेटी, तू ही इस तरह टूट जाएगी तो घर को कौन संभालेगा।
अभी तो रज्जू का ब्याह करना है तूने। चल आंसू पोंछ और नीचे चल, वो इंस्पेक्टर साहब आए हैं। चल चल आ जा। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप? आज 4 दिन हो गए मेरी भाई की मौत को और आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं होता तो आप साफ साफ कहिए, मैं इंडियन एम्बेसी से मदद लूंगी, विदेशों से एक्सपर्ट बुलवाऊंगी, जमीन आसमान एक कर लूंगी, मगर अपने भाई की मौत की वजह पता करा कर ही रहूंगी। हमें तो सिर्फ एक ही वजह नजर आ रही है कि उनको किसी जंगली जानवर ने मार डाला हो। देखिए, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि उस रात फोन पे सिंघानिया से बात हुई थी और उसी के साथ शिकार पे गए थे, कोई और था उनके साथ। जरूर उनका कत्ल हुआ है, उन्हें मार डाला गया है, उन्हें मार डाला गया है, मार डाला गया है। लेकिन मिसेज रावल, जब तक हमें कोई सुराग नहीं मिल जाता तो हम कैसे मान लें कि कत्ल हुआ है? कोशिश करेंगे तो सुराग मिलेगा ना। जब ये कह रही है कि इनको शक है कि इनके पति का कत्ल हुआ है, तो आप इस केस की उसी तरह से तहकीकात कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और सुराग चलकर आपके सामने आ जाएंगे, तब तो हो चुकी तहकीकात। मैं तो कहता हूं कि कातिल आपके सामने भी खड़ा रहेगा, तब भी आप सुराग सुराग का भजन गाते रहेंगे। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग पर्सनल, बट देयर इज अ लिमिट। जाफरानी, नमस्ते। कैसा आदमी है यार, घर में मौत हुई है, मेरे 15 लाख डूबे पड़े, तू हंसता है यार, तेरी आदमी है यार। साईं जाफरानी, 15 नहीं 17। 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कल ही जो डेंजर आदमी को आपने धमकी देने का बोला, रात को रावल मर गया। चुप कर। तेरा गोदी में 1 लाख डॉलर भरना है ना, मैं भर दूंगा, पर आहिस्ता बोल। अब गोदी का 1 लाख नहीं 2 लाख हो गया है। क्या बोलता है यार, जरा जोर से बोले यार। अरे खंजर पे तेरा पकड़। अंदर चौथा चल रहा है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, जरा भी बनक पड़े तो मेरा चौथा निकलेगा यार। कैसा आदमी है यार। साईं, हम दो, हमारे दो आराम लेने। Excuse me, is Mrs. Singhania there? No, go away, he's not here, go. Okay, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है. It's very important that I meet him. Go. Please try and understand. Go away, he's not here, no. Go away, he's no more here, he's not here, go away, I said go away. Go. Thank you.
डायमंड कैसीनो, सानिया और जेकब। Hey boy! Hey man! Stop that! I said stop! Hey, stop that! Stop! Stop! You there! Stop! I said stop! Stop that! Yes. Where is Diamond Casino? That side. Thank you. Welcome. Excuse me, Radheshwari ji. अरे अच्छा होगा आपसे यही मुलाकात होगी। मैं आप ही कहाँ जा रहा था? उस दिन विजेंद्र सिंह जी सिंघालिया के साथ शिकार पर गए थे ना, जिस रात को उनका खून हो गया था, उन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और जिस लड़की ने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, मुझे उसका नाम और नंबर मिल गया है। अब आपके भाई के कातिल को कोई नहीं बचा सकता। क्या नाम है उसका? सानिया, यहीं पर कैसीनो चलाती है। उसका नाम आपको कैसे पता चला? मैं रोज होटल गया था जहाँ पर पार्टी दी गई थी। वहाँ के मैनेजर और वेटर से मैंने पता लगाया कि पार्टी में कौन कौन लोग आए थे। जब उन लोगों के बारे में मैंने तहकीकात करके पता लगाया तो उन सबकी जबान पर एक ही नाम था, सानिया जेकब। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि आप अपना काम छोड़कर हमारे लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहे। अनजान शहर में अकेलेपन से बहुत डर लग रहा था मुझे, सहारे के लिए आपके यहाँ चला आया था। जो मुझे समझ सकता था वो तो इस दुनिया से ही चला गया। अच्छा चलता हूँ। I'm sorry, चले सानिया के यहाँ। जी नहीं प्लीज, आप चलिए प्लीज। चलिए। कमिंग। ये क्या बदतमीजी है? हेलो, देखिए डरिए मत, हम महेंद्र प्रताप सिंघानिया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। मैं किसी सिंघानिया को नहीं जानती। विल यू प्लीज गेट आउट। वो महेंद्र प्रताप सिंघानिया जिसके लिए पिछले 27 तारीख को तुमने पार्टी अरेंज की थी और विजेंद्र रावल को तुमने पार्टी में बुलवाया था। मैं किसी विजेंद्र रावल को नहीं जानती और किसी पार्टी के बारे में नहीं जानती। अच्छा? विजेंद्र रावल का खून हुआ है और वो मेरे भाई थे। बताओ क्या जानती हूँ उस खूनी के बारे में। What the hell you think I am? चेहरा कैसा था उसका? ऐसे था। ऐसा था कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। ऐसा था? हाँ ऐसा था। नहीं ऐसा नहीं था। ऐसा था। हाँ। बाल कैसे थे? ऐसे ऐसे। और उसकी आंखें कैसी थी? आंखें कैसी थी? काली या भूरी? आंखें कैसी थी उसकी? काली या भूरी? कहीं ऐसी तो नहीं थी? ठीक से देखो, ऐसी भूरी तो नहीं थी? भूरी थी। हाँ। आगे बढ़ राजेश। और नाक कैसी थी? ऐसी या ऐसी? ऐसी थी। दाढ़ी या मूंछ थी? दाढ़ी कैसी थी? ऐसी नहीं। ऐसी नहीं, नहीं। ऐसी थी? नहीं नहीं। हाँ तो फिर कैसी थी? कैसी कैसी ऐसी? ये तो वही आदमी है। ये उस आदमी का कंप्यूटर पिक्चर है जो उस रात मेरे भाई के साथ शिकार पर गया था। इसका नाम सिंघानिया है और विजेंद्र सिंह रावल जी की मौत के पीछे इसका हाथ जरूर है सर। आप फिक्र न करें, अगर यह शख्स केप टाउन में है तो 7 दिन के अंदर अंदर यह हमारी हिरासत में होगा।
You've done it. Thank you, Inspector. Welcome. Thank you, sir. Thank you very much, yeah? इंस्पेक्टर साहब, 15 दिन के ऊपर हो चुके हैं, अभी तक सिंघानिया का कुछ पता नहीं चला, ये क्या हो रहा है? What is happening? मिस राजेश्वरी, हम अपना काम कर रहे हैं, आप जरा धीरे से काम लीजिए। अरे राजी, ऐसा क्या काम कर रही है कंप्यूटर पे जो रात भर सोई नहीं? ले दूध पी ले। रख दो ना दाई माँ। किसकी तस्वीर देख रही है तू? हाँ ठहर ठहर, अपना ओम है ना, जब वो बुढ़ा जाएगा तो ऐसा ही दिखेगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, अंगूर से किशमिश बनते बहुतों को देखा। दूध पी ले ना। मगर आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये खुदकुशी थी? कॉन्फिडेंस? हमने तहकीकात की है, वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस, और हमें ये भी पता चला है कि मिस्टर विजेंद्र सिंह रावल और उनकी बीवी के बीच काफी अनबन थी। बल्कि हमें ये भी पता चला, जिस रात उनकी मौत हुई वो अपनी बीवी से झगड़ा करके घर से निकले थे। मुमकिन है इसी वजह से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली हो। देखिए, अगर आप लोगों ने सीधी तरह से इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए तो कंपनी से पैसे निकलवाने के दो ही रास्ते हैं मेरे पास। अच्छा? कौन कौन से? या तो मैं कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, या फिर अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। ये लीजिए, पकड़िए, मुझे मार दीजिए। कम से कम मेरे मरने के बाद मेरे इंश्योरेंस के पैसे तो इस बेचारी को मिल जाएंगे, मेरा तो आगे पीछे कुछ है ही नहीं। क्या हो क्या रहा? पागलपन है ये लगी कैसे? सुमन जी, देखिए, आप लोगों को पैसा नहीं देना है, मत दीजिए। अरे पर हमने सोचा था कि पैसे आ जाएंगे तो लेनदारों के खर्चे चुका देंगे, पर ठीक है, मुझे वो अपमान मंजूर है, लेकिन आप मेरे ही घर में आके मेरे ही लोगों का अपमान करेंगे ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। जाइए आप, प्लीज जाइए, मैं दवाई लाती हूँ। हेलो, सुनिए, वहाँ इंश्योरेंस एजेंट मिस्टर हैरी आए होंगे, उनसे कहिए कि उनके कंपनी मैनेजर मिस्टर टोनी उनसे बात करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस, आपका फोन है। हेलो, कैसा चल रहा है? बाकी तो सब ठीक चल रहा है सर, लेकिन उनका एक हमदर्द है यहाँ जो कि कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है। नो 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 नो, उससे हमें ज्यादा नुकसान हो सकता है, उससे कहो कि कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं, उनके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन सर, कत्ल का सबूत तो? डोंट वरी, सुबह ही हमारे ऑफिस में किसी ने इसका सबूत भेज दिया है। देखिए, आपका दावा मंजूर हो गया है, बस दो चार दिन में आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। सुनिए, हाँ, लगता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे भी अपना इंश्योरेंस करवाना है, मैं कब आऊं? ये सब एयरलाइंस के पैसेंजर्स की लिस्ट है पिछले एक महीने की। केप टाउन में जितने भी पैसेंजर्स आए और जितने भी पैसेंजर्स गए, उन सब के नाम और डेस्टिनेशन इसमें है। आपका चेक। आप नहीं होते
तो ये इंश्योरेंस का चेक हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता। ऐसी कोई बात नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी ही अच्छी है। मैंने तो उनको सिर्फ फोन पर पूछा था कब आऊं, तो कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, आपके आने की जरूरत ही नहीं है, चेक आप तक पहुंच जाएगा। और देखिए चेक पहुंच गया। अच्छा चलता हूं। इतनी भी जल्दी क्या है, रुक जाइए ना। मुझे तो बस एक ही बात की जल्दी है राजेश्वरी जी, विजेंद्र सिंह जी के कातिल का पता लगाने की। लीजिए इंस्पेक्टर साहब आ गए, लगता है आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, कहीं कुछ पता चला कि वो कातिल कौन है? हाँ, आपको ये जानकर खुशी होगी मिस्टर ओम कि हमारे हाथ कातिल के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं, हम जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार कर लेंगे? अभी गिरफ्तार कर लेंगे? मैं पूछता हूँ आप लोग उसको गिरफ्तार करते क्यों नहीं है? पहले हथकड़ी तो निकाल लूं। मिस्टर महेंद्र प्रताप सिंघानिया, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ विजेंद्र सिंह रावत। आपके पास सबूत तो होगा? सबूत मेरे पास है, हा? और मैंने ही इंस्पेक्टर साहब को यहाँ बुलाया है। रजत तुमने? हाँ भाभी, मिस्टर ओम ही महेंद्र प्रताप सिंघानिया है जिन्होंने मेरे भाई और आपके पति को बेरहमी से गला घोटकर मार डाला। ये रहा सबूत, लीजिए पढ़िए। ये एयरपोर्ट के आने और जाने वाले मुसाफिरों का रिकॉर्ड है। पिछले 2 महीनों से किसी भी फ्लाइट से न महेंद्र प्रताप सिंघानिया शहर से गया या ओम श्रीवास्तव शहर में आया। यही है महेंद्र प्रताप सिंघानिया जिसकी पुलिस को तलाश है। This is the man. This is him. He's the guy. देखिए मिस राजेश्वरी जी, आप जासूस तो बहुत अच्छी हैं, मगर मुझे लगता है कि अभी अच्छा इंसान बनने में आपका कुछ और वक्त बाकी है। मिस्टर महेंद्र प्रताप सिंघानिया या जो कुछ भी नाम बता रही हैं आप, भले उनके केपटाउन से जाने का कोई रिकॉर्ड ना हो, मगर ओम श्रीवास्तव के केपटाउन में आने का रिकॉर्ड जरूर है, और वो आपको केपटाउन एयरपोर्ट पर नहीं बंदरगाह पर मिलेगा, क्योंकि मैं यहां पर हवाई जहाज से नहीं पानी के जहाज से आया था। क्या है कि मिट्टी का आदमी हूं ना, ज्यादा हवा में उड़ने से डर लगता है मुझे, और उसका सबूत है ये टिकट जहाज की। I'm sorry, Mr. Om. It's okay, sir. हमने बेवजह आप पर शक किया। It's okay, it's okay, sir. Miss Rawal, आपने तो मेरी वर्दी ही उतरवा देनी थी। Thank you very much. Thank you. आइए। प्रणाम ओम जी। आइए आइए पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम। विजेंद्र सिंह रावल की आत्मा की शांति के लिए आपने 100 नाथ बच्चों को भोजन करवाने के लिए जो पैसा भिजवाया था उससे सारा भोजन का सामान लेके आया हूँ। जी मिशनरी के पादरी भी अनाथालय से बच्चों को ले आए। ठीक है पंडित जी, देखिए मंदिर और पूजा का सारा सामान वहीं पे, भोग वहीं पे लगा दीजिएगा। रामू जी जगह साफ रखना, बच्चों को खाना वहीं पे खिलाना। जी सर। और हाँ, 150 बच्चे ज्यादा भी हो गए ना तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आप फिलहाल ये रख लीजिए। प्रणाम। आइए पंडित जी। नमस्ते सुमन जी। नमस्ते राजेश्वरी जी।
मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। तुमने ठीक कहा था, मुझे अच्छा इंसान बनने में बहुत वक्त है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। जो सजा देना चाहते हो दो, मगर इस तरह चुप मत रहो। मैं जिंदगी भर ही बोझ उठाकर नहीं जी पाऊंगी। ओ मुझसे बात करो, ऐसे चुप मत रहो, मुझसे बात करो। राजी मेरा बैग दो। राजी जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं बैग नहीं दूंगा। राजी मेरा बैग दो। राजी क्या तलाश में मैं पागल हो गई थी, तुम ही हो जिसने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारा नकाब उतर चुका है ओम श्रीवास्तव, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ नाटक करते रहे। तुम्हारे इरादे साफ हो चुके हैं, अब मैं दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। राजे क्या कर रही हो? भागा हुआ चोर मिल गया राजी। चोर? कौन चोर? तुम्हारे भाई का कातिल। क्या तुम सिंघानिया का पता? Excuse me. Okay. हर चीज की कीमत होती है, थप्पड़ के कुछ ज्यादा ही 5 लाख। कल तुम ठीक 9:30 बजे डायमंड कैसीनो आ जाना। Alright. मगर अकेले, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओके okay? ओम को भी नहीं। क्या नहीं, क्या हुआ? हाय ओम। हाय। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। बाय। अरे भाई दाफड़ानी, इतनी देर से किसको फोन कराया मार रहा है? अरे यार वो डायमंड कैसीनो वाली सानिया है ना, 5 लाख डॉलर खा के बैठी पड़ी है। चली किधर की? फोन उठाती नहीं है साली, उठाकर डाला कि यार। अरे तूने मेरे को इधर 2 लाख लेने के वास्ते बुलाया बाबा। क्या था 2 लाख यार? अरे खंजर के 2 लाख। आई साहब बोल यार, बता भी नहीं समझता है। तू से बात किया करना कभी कभी यार। लो लग गया। हेलो हेलो, क्यों रे चिकनी, मेरे पैसे का क्या हुआ? अच्छा पैसा हैं? लेने के टाइम पे ला 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 ला, देने के टाइम पे मुंह काला। अरे तू जानती नहीं मैं कितना डेंजर आदमी हूँ। मेरा पैसा जो, सुन मेरी बात, जो मेरा पैसा खाता है ना वो दुनिया से उठ जाता है। क्या बोली जाफरानी? अंग्रेजी में गाली देती है साली। ओ। जानती नहीं मैं कितना डेंजर आदमी। टेक इट योर फोन यार, बर्बाद करके रख दूंगा उसको मैं। ये पी प्यारा पी, मुफ्त जो पी, परमन जो खोए का पी। क्या न्यूज़ में ड्रिंक प्लेस? देखो एक और लुखा आ गया। हे हम लुखा नहीं,
हम गुंडा। अरे हम गुंडों की कदर करते हैं भाई। अरे ड्रिंक की क्या बात करते हो, ड्रंक हो जाओ भाई। थैंक यू यार। अरे जिंदगी में माल वाल कमाना है कि नहीं, चौकी से कमाना करना है। बाबा डायमंड कैसीनो में सानिया लड़की है ना, मेरा $5,00,000 खा के बैठी भरी है यार, निकलवाओ तो आधा तुम्हारा। सानिया मेरा भी दुश्मन है, I'll do your job free। शाबाश। लेकिन हम सोचता है हम उसका मर्डर करें कैसे। अरे उसकी फिक्र तुम नहीं करो, ये भाई देखो युवाल भरी। मर मारो नहीं, खाली दिखाओ भाई, मारो मारो नहीं, इसे भी काम नहीं चले। देखो सही ये हथकरी साली को पिना के मेरे सामने ले आओ, ठीक है? ये मेरा कार्ड है साई। Okay, I'll do your job free, Mr. Jafrani. Okay, see you. Chill out. अरे यार मेरा नाम जानता है यार ये? लगता है बहुत पहुंचा हुआ आदमी है यार, मानना पड़ेगा। अब ये सानिया बुलाएगा ना, देख मैं कैसे पैसे निकालता हूँ, पानी में गोते खिला खिला के पैसा निकालूंगा अभी यार। अच्छी है यार। पैसे लाई हो? लाई हूँ, लेकिन पहले कातिल का नाम बताओ। पहले पैसे, इसकी क्या गारंटी है कि तुम पैसे लेके सही नाम बताओगी? ओके के ओके। इधर आओ। यू वांट द बैग राइट? ये लो प्लीज बिहेव। कातिल का नाम बताओ। टेल मी द किलर्स नेम। बिहेव योरसेल्फ। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। समझी? मी द प्लीज I'm sorry. Tell me the killer's name. Kapil ka naam batao. Tell me. Sanya! Sanya! Oh my God! Sanya! Sanya.
are you doing, yeah? I'm sorry, sir. Pick it up, come on. I'm very sorry. I said, pick it up, come on. Come on, faster. I said I'm sorry. Come on. Pick it up. Hey, pick it up, hey. Pick it up. Come on, pick it up. Sorry, sir. I said, pick it up. Pick it up, I said. Come on, pick it up. I said, sorry. Pick it up. Sir? What are you looking at me, yeah? Pick it up. Come on, fast. Come on, pick it up, fast. Please, sir. Pick it up. Sir, please, sir. I'm sorry, sir. Please forgive me. Please forgive me. Huh? Please forgive me, sir. I said sorry. Please forgive me, sir. You're such a human man. Say something. Sorry, sir. Please forgive me. Forgive me, no? Yeah, please. Please forgive me. I'm sorry. No, no, I'm really sorry. I'm sorry. Father, into your hands we commend our sister Sania Jacob. We are confident that with all who have died in Christ, he will be raised to life on the last day. We thank you for all the blessings you gave her in his life, to show your fatherly care for all of us and the fellowship which is ours with the saints in Jesus Christ. Since Almighty God has called our sister Sania Jacob from this life to himself, we commend our body to the earth from which you have made. Was the first to raise us from the dead. Let us pray one Our Father and three Hail Mary for the souls of our sisters, Sania Jacob. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Let us pray one Our Father and three Hail Mary for the souls of our sisters, Sania Jacob. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed art thou. Dear friend. अरे किधर था तुम यार? वही सोता है कि क्या किधर है? देखो इंसान का कोई भरोसा नहीं होता है। आदमी मरता है अपनी हरकतों से। मैं तो बोलता हूँ जो करेगा ना वो भरेगा इधर ही। वही तो मैं कह रहा हूँ जाफरानी कि आपने भरा उस बिचारी ने आपकी हद कर चुप। कितना चाहिए बोल सही? 5 लाख। 5? इंस्पेक्टर साहब, दिस इज रिडिकुलस। सानिया को विजेंद्र सिंह रावल के कातिल के बारे में पता लग गया था और उसी का कत्ल हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि कातिल अभी तक शहर में है और उससे राजेश्वरी की जान को खतरा है। अगर आप चाहें तो हम राजेश्वरी जी को पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बाहर के खतरे से तो आप मुझे बचा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट माय ब्रेन? एक पल के लिए भी मैं उस खूनी को भूल नहीं सकती। ऐसे लगता है कि वो मेरे सांसों में बस गया है। लेकिन मैं इस घुटन को अपने चेहरे पर नहीं ला सकती, क्योंकि अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो वो दम तोड़ देगी। न वो खाती है, न वो पीती है। लोगों के ताने सुन सुन कर ऐसी हो गई है जैसे जिंदा लाश हो। कंट्रोल। चलो, कम ऑन, आई एम लीविंग। रज्जो, अर्जुन सिंह जी, नमस्कार। आप कब आए? आज ही। रज्जो कहाँ है? वो जरा बाहर गई है, बस आती होगी। सुमन बेटी, बहू, ये देखो विजेंद्र के चाचा जी आए हैं। हाँ,
जीती रहो बहू, जीती रहो। हम बहुत शर्मिंदा है कि विजेंद्र कृषात पर ना आ सके, लेकिन कुछ ऐसी मुसीबतों में फंस गए थे कि निकल ही नहीं पाए। जो होनी थी वो हो गई। आप दोनों बातचीत करिए, मैं चाय का प्रबंध करती हूँ। चाचू, चाचू, चाचू। आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, डोंट वरी एट ऑल। अच्छा चाचू, वो आपके कैदी जो भाग गया था, उसका क्या हुआ? उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की बेटी, लेकिन हाथ नहीं लगा। अर्जुन सिंह की वर्दी पर बस यही एक बदनुमा दाग लग गया रज्जू। पुलिस डिपार्टमेंट को यह शक है कि हमने भागने में उसकी मदद की, इसीलिए हमें नौकरी सस्पेंड कर दिया गया। अब हम यहां की जायदाद बेचकर हिंदुस्तान में बस जाएंगे, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि अर्जुन सिंह इल्जाम के डर से भाग निकला। अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, उसे गिरफ्तार करेंगे और उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे, ताकि एक पुलिस ऑफिसर की 35 साल की वफादारी पर लगा हुआ ये जो कलंक है ना, खुल जाए। खैर बेटी, अब मैं चलता हूँ, बहुत से काम करने हैं, वकीलों से भी मिलना है। मैं कागजात लेके आती हूँ। चाय लीजिए। जी चाचू, आप तो जानते ही हैं भाभी कितनी टूट चुकी है। उनका दिल बहलाने के लिए कल उनके जन्मदिन पर मैंने एक सरप्राइज पार्टी का इंतजाम किया है, आप जरूर आइएगा, सबका दिल बहल जाएगा। बेटी इमीडिएटली। ओके साफरानी सेठ। अरे साउथ अफ्रीका का इतना बड़ा मिलियनेयर, इतना बड़ा सेठ, सड़क पे खड़ा है बाबा, मेरा भी कचरा होता है, सोचो। तुम्हारा कचरा किधर से होता है यार? तुम जैसे लुखों की वजह से तो मैं सड़क पे आया हूँ। बात करते हो, तुम्हारा कचरा होता तो पैसा दिया और चलो। साफरानी सेठ, गोदी में मेरा माल आके पड़ा हुआ है 5 लाख। तुम पकड़ पैसे की बात नहीं कर, मैं कर्जे का धंधा बंद करके बैठा पड़ा हूँ। जो दिया पैसा मेरे को मिल जाए ना, तो साउथ अफ्रीका छोड़ के इंडिया चला जाऊंगा, झूले लाल का भजन करके जिंदगी पूरा गुजारूंगा, समझा? ये विजेंद्र के चाचा इंडिया से आया हुआ है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पैसा हमारा देते नहीं है। 6 बजे से खड़ा पड़ा हूँ इधर। अरे उतर भाई, ये देखो आया, देखो मोबाइल में घुसा पड़ा है। हाँ, मुझे कुछ डिटेल्स तो मिले हैं, लेकिन जब तक मुझे सारे सबूत नहीं मिलते तब तक मैं उसके गिरेबा पे हाथ नहीं डाल सकता। वो लड़का हमारे घर वालों से काफी घुल मिल गया है। I'll get some more proofs and get him, okay? Bye. अरे भाई, वो तो वो विजेंद्र रावल का चाचा है ना? हाँ, तो? अरे बाबा, मेरा पैसा लिया हुआ था, उस टाइम मैंने पैसा पूछा तो कुत्ते को मार दिया और खुद भी मर गया। ना उसके घर में उसकी बीवी सुनती है, ना बहन सुनती है, कैसे कमीने लोग हैं यार। अबे एक छापड़ मारूंगा ना तो 32 सड़क पे गिर जाएगी तेरी। अरे यार, ये तो चाय से ज्यादा केतली गड़े में यार। अरे तुमने उसका प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ किया है ना? हाँ, तो क्या? तो मेरा पैसा सूद के साथ दियो, वरना देखो बोलता हूँ मैं। वरना क्या? धमकी देता है मुझे, धमकी देता है क्या? मुझे कुछ बोलना है? नहीं, 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 नहीं। Bloody shit. ये आदमी सच बता रहा हूँ, आपका पैसा नहीं देगा। ये क्या नहीं देगा? इसका बाप भी देगा, बाप भी। इसका डेड बॉडी भी लाके मेरे दरवाजे में पैसा देगा। बात करता है, इसके पैसे से तुमको कहें कैसे यार? बात करता है। जेलर साहब, बहू तो बाहर गई है। ठीक है, जैसे सुमन आ जाती है उसे कहिएगा कि मुझे मेरे होटल पे फोन करे, जरूरी काम है। थैंक यू। यह
देखिए, आपने फोन करने के लिए कहा था? हाँ बहू, मैंने तुम्हें कैदी के बारे में कहा था ना? हाँ? हाँ, वो इंडिया में गिरफ्तार हो गया। मैं आज रात की फ्लाइट से इंडिया जा रहा हूँ। लेकिन आपकी आवाज को क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं, वो अस्थमा का अटैक आ गया। पहुंचते ही फोन करूँगा। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए। हाँ मैं ख्याल रखूंगा। Something serious. Uncle! Uncle! My uncle! 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 आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते! Uncle! 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 आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते! तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते! Uncle! Uncle! You cannot live like that! Uncle! आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते! Uncle! Get up, uncle! Uncle, get up! Uncle, you cannot leave me like that, uncle! Uncle! Uncle!
अंकल अब अंकल अंकल He's not breathing. What He's happened? Not breathing. What's the matter? Tell me, what's the matter? Get the ambulance, please. Get the ambulance, please. My uncle is dying. Get the ambulance, please. Get the ambulance, please. Can't you see my uncle is dying, huh? Come on, hurry up. अंकल एम्बुलेंस आ रही है अंकल 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 आप मुझे छोड़ के मत जाना मुझे मत छोड़ के जाना अंकल वरना मैं फंस जाऊंगा अंकल मैं मर जाऊंगा अंकल मैं मर जाऊंगा अंकल 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 गणा अंकल गणा अंकल I'm sorry, he's dead. No, he cannot die like that! Uncle! I don't need any ambulance now. कि यही गत है राम नाम सत्य है सबकी यही गत है राम नाम सत्य है मैं तेरे को कुछ नहीं बोलता हूं जिसने तेरे को इधर का पता बताया ना उसको गोली से उड़ा दूंगा मैं बहुत डेंजर आदमी हूं तेरे से बचने के लिए मैं जंगल के फार्म हाउस में आके बैठा पड़ा हूं तू इधर भी आ गया और बेटे बेटे मेरा 5 किलो काजू खा गया तू यार अच्छा वो बादाम नहीं रखा बात मार दिए पोकेशन हो गया यार मैं दरवाजा खोलता हूँ बिना चलिया लख जाना था अरे बाप रे अरे भाई जाफरानी ये तो अर्जुन सिंह आपका दुश्मन मरा पड़ा है मैंने मारा है क्या अरे नहीं बाबा उसका डेड बॉडी तो आपके घर में पड़ा है तो क्या करूं अब ये आपको 10 लाख तो मेरे को देना पड़ेगा अच्छा देता हूँ आहिस्ता बोल यार तो आजू बाजू से भी कर्जा मांगने आया करेंगे यार तू यार देखो आ गया अरे मैं लुकाऊं मेरे पास पैसा नहीं है कर्जा वर्जा देना बंद किया चलो वालो बाजू में जाओ पुलिस ओपन द डोर पुलिस किधर से आ गया यार पुलिस इतना हाथ लगा यार हाथ लगाने का 10 लाख एक्स्ट्रा पड़ेगा बाप ने मरते का तो बोला था स्मगलिंग छोड़ के कर्जे का धंधा नहीं करो कर्जे का धंधा करके मैं फंस गया हूँ यार आइए इंस्पेक्टर साहब देखिए मिस्टर जाफरानी डायमंड कैसीनो वाली सानिया का जो कत्ल हुआ है हमें पता चला है कि आपने उसे कुछ कर्जा दिया था
हाँ, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? अरे हाँ? उसी हराम खोर ने तो मेरा पैसा डुबाया है। Who is he? ये मेरे अंकल हैं, इंडिया से आए हैं, कर्नल जाफरानी। वार में से आए ना, जंग में से लड़के, तब से खुद से बड़बड़ाते हैं। डिस्टर्ब है। खैर, सानिया को जो पैसा दिया है वो वापस मिल सकता है क्या? अगर आपने सानिया को कुछ पैसा दिया है हाँ? तो आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? क्योंकि मौत से कुछ दिन पहले उसे फोन पर किसी ने पैसा ना लौटाने के लिए मारने की धमकी दी थी। मैंने पैसा नहीं दिया, पैसा मैंने नहीं दिया है। हमेशा एरिया के लिए पूछता है, जितने भी दिया होगा, गरीब मर गया तो पैसा जाता है ने? आपने नहीं दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया ने? अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूं। अच्छा जी, क्या मैं अंकल से बात कर सकता हूँ? अंकल से? अंकल डिस्टर्ब है थोड़ा, मेंटली इंडिया से आए है ना। अच्छा, पूछता हूँ मैं। अरे यार, ये चरिया मुर्दे से बात करना चाहता है, क्या करे यार? पागल, भगा उसको। चरिया मेहरबानी करता है, साला मारता है, लाखों लेता ऊपर से मारता है, आज सामान है लुका। ओके अंकल, जीते रहो। देखा डिस्टर्ब है ने? थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर आप बात करना चाहे तो। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रिलैक्स कर रहे हैं ना, मैं फिर कभी आऊंगा। भले नेक्स्ट वीक आओ घर पर। ओके बाय अंकल। पहले सिगरेट तो निकाले। अरे छोड़ हाथ, बड़ा पेपर पड़ता है सारा, छोड़। क्या भाई? दादा हाँ, आप अपनी शक्ल को और क्यों खराब कर रहे हो? अरे जब और टाइम खराब आता है तो शक्ल अकल सब खराब होती है। चरिया, घर में 7 फीट का लाश पड़ी हुई है, उसको ठिकाने लगाने के लिए सब लगा रहा हूँ, ताकि लोग मुझे पहचाने नहीं, समझा? बात करता है। दादा हाँ, आप चतुरी नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी हो। चुप, घर चला चला के और कितना माल खाएगा? अरे लाश को ठिकाने लगाने की बात सोच चरिया, लाश को ठिकाने लगाने की बात सोच। अरे भाई जाफरानी, इस पार्क में आने का मतलब मेरे को समझाओ। ये बाजू में तालाब देखा है ना? हाँ। 1 घंटे बाद अंधेरा होएगा, ये जितने घूम रहे हैं ना चले जाएंगे। पीछे के डिक्की में से डेड बॉडी निकाल के तालाब में डाल दियो, किसा खत्म। अरे भाई जाफरानी, तालाब का अंदर मगरमच्छ है। तो हमारा क्या नुकसान है? मगरमच्छ का राशन टू मच हो जाएगा, थैंक्स बोलेंगे मगरमच्छ, समझा कर? तू जड़ी बैठा रे, मैं जरा घूम के आता हूँ। अरे अरे, पर तू अभी कहाँ जा रहा बाबा? अरे बाबा, बाहर अच्छी अच्छी लड़कियां हैं यार, सब जाकर यार, मेरे को कौन पहचानता है? तुम बैठे रहो। ओके। साले ये लड़कियां अकेली आके नहीं बैठती, साथ में कोई ना कोई रहता है, यही देख रही यार। हेलो। अरे चांदी जैसा रंग है मेरा, सोने जैसे बाल, एक तो हूँ धनवान रे, बाकी सब है तो कंगाल रे, झूलेलाल सब तो है कंगाल रे, बाबा सही। हेलो, जाफरानी तो मर गया, यानी मुझे एक नहीं दो दो बॉडी। Why am I talking like a Sindhi, y'all? Zafru! जाफरानी, सब लोग तुझे देख रहे हैं यार। लगता है मेरी शक्ल किसी हॉलीवुड के स्टार से मिलती जुलती है। नहीं यार, तेरी शक्ल वो डिस्को वाले से मिलती है। कौन है? वो जिसको तूने रावल को मारने की सुपारी दिया था यार। क्या बात करता है यार? देख समझ जाएगा। यार मैं खुद चिपका कर आ रहा हूँ यार, तब ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए। बापरे, मेरे साथ ये क्यों होता है यार? माल पानी मेरे को जैसे निकालने का कुछ सोच यार, थीरी निकाल यार, कुछ सोच यार। यार जाफरानी,
लड़की बड़ी अच्छी है। अरे यार तेरे सच्चा दुनिया में कोई नहीं है यार, मेरे को इधर से निकाल यार। मेरा कमीशन पका है। पक्का यार, तू कुछ सोच, इधर से निकल जावे अब यार। फिर भाग भाग भजो भजो भजो। जापानी मेरा कमीशन पका है। टेक मी डाउन टाउन। अरे बाप रे, कहां फंस गया यार। We have seen the killer. He went this way. Follow me. अरे मेरी जिंदगी हैंसी कोने से भी ज्यादा खराब हो गई यार। वो तो लेके फंसा हुआ, मैं तो दे के फंस रहा हूँ यार। उतने तो मैच फिक्सिंग की थी मैंने, ये क्या फिक्स कर लिया है। इसको निकाल देता हूँ, साला निकल गया। भागो इधर से। आपका बेटा हमें बहुत पसंद आया सिंह बाबू। इसकी शक्ल बिल्कुल उस लड़के सी है जो फिल्म में काम करता है। क्या नाम है उसका? बड़ा अच्छा सा नाम है। अक्षय कुमार होगा बहन जी, सब लोग यही कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो छोटा सा है। वो नहीं, वो दूसरा दूसरा। अरे घनश्याम, क्या नाम था उस लड़के का जो उसकी फिल्म उस दिन आ रही थी? हाँ दाइमा, आमिर खान। अरे बहन जी, आप क्या, सभी लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि हमारा कुमार ही आमिर खान है। हर जगह लोग ऑटोग्राफ के लिए पीछे पड़ जाते हैं, क्या करें। वो तो लंबा सा है, वो नहीं एक दूसरा है, दूसरा। वो क्या नाम है उसका, जबान पर रखा है नाम। सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ। नाम जैसे ही है, नाम जैसे ही है, लेकिन ये नाम नहीं है। हाँ याद आ गया। कौन, कौन? बहन जी, जगदीप। आपका बेटा बिल्कुल जगदीप है। नमस्ते। नमस्ते। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। मैं तो इनके बेटे को ही निहारती रही, खाती तो करना ही भूल गई। मैं रज्जो को भेजती हूँ, बैठो। बैठी ना। आपकी शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही है, कहाँ देखा है आपको पहले? मैं जा रहा हूँ। लीजिए ना। अरे रज्जो, ये मिस्टर मिसेस दिग्विजय सिंह जी हैं और ये इनके बेटे हैं कुमार। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। ये चाहते हैं कि तुम्हारे और कुमार की कम से कम सगाई की रस्म हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सगाई? मैंने तो शादी के लिए हाँ तक नहीं की और आप लोग सगाई की रस्म तक पहुंच गए। अगर शादी के लिए हाँ नहीं की तो कोई बात नहीं बेटी, अब कर लो ना। आखिर विजय सिंह जी तो हमें जबान दे ही चुके हैं ना। देखिए, आपके और मेरे भैया के बीच क्या बातें हुई ये तो मुझे नहीं मालूम। जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। भाभी, इन लोगों का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी मर्जी जाहिर कर रही हूँ। हमारे बेटे में कोई खोट है क्या? जी नहीं। तो फिर इनका क्यों कर रही हो रज्जू? मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। यहाँ आओ बेटी, आओ, आओ ना। बेटी, तुम्हें अपने स्वर्गीय भाई की आखिरी इच्छा का तो ख्याल करना चाहिए ना। हाँ बेटी, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी फैमिली में जबान के लिए जान की कुर्बानी देने की परंपरा हमेशा से चली आ रही है। मगर इसमें से मर्दों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। हर घर में कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी बहू, किसी न किसी रूप में औरत से ही उसके अरमानों की कुर्बानी मांगी जाती है। मगर रज्जो ऐसी कोई कुर्बानी नहीं देगी। रज्जो की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी है और जिससे वो प्यार करती है उसी से शादी करने का इसे पूरा हक है। अगर मालूम होता कि आपके इतने ऊंचे विचार हैं तो हम अपना वक्त बर्बाद करने यहाँ नहीं आते। चलो यहाँ से। हाँ हाँ चलो। नमस्ते। भाभी, थैंक यू, आपने मेरी बात मान ली। वो सब तो ठीक है लाडो रानी। अरे अरे, मगर ये तो बताओ खुशनसीब है कौन? हाँ आप सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। हाँ ये तो है, जिसका नाम बताने में तुम इतनी पागल हो रही हो उसका नाम सुन के तो मैं भी पागल हो जाऊंगी, इसका खतरा है। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए खतरा मोल लेती हूँ। चल जल्दी से उसका नाम बता दे।
कैसे बताऊं? कैसे? वैसे ही जैसे हर लड़की अपने प्रेमी का नाम लेती है, सिर झुका के, थोड़ा शर्मा के। ये आजकल कोई और फैशन है? नहीं नहीं भाभी, उसका नाम ओम है। क्या? ओम? कौन ओम? यूं तो दुनिया में बहुत सारे ओम होंगे, लेकिन जिस ओम का नाम सुनकर तुम्हारी रज्जो का दिल धड़कता है, वो एक ही है, ओम श्रीवास्तव। तुम ओम से शादी नहीं कर सकती। अभी तो तुम मेरी तरफदारी कर रही थी। तुम्ही नहीं तो कहा था मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करने का मुझे पूरा हक है? कहा था कि नहीं? कहा था। तो फिर क्या ओम में कोई खराबी है? क्या उसने कोई जुर्म किया है? क्या क्या उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया? नहीं रज्जो, मैं नहीं बता सकती। मुझे मजबूर मत करो प्लीज। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मगर तुम्हारा इस तरह मुझसे मुंह छुपाना सबूत है कि तुम्हारे दिल में खोट है। रज्जो, तुम्हारी चीख इस बात का सबूत है कि तुम्हें कहीं चोट पहुंची है। बस कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी ओम को चाहने लगी हो? रज्जो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ओम से शादी करना चाहती हो? रज्जो, रज्जो, मगर तुम्हारा इस तरह मुझसे मुंह छुपाना सबूत है कि तुम्हारे दिल में खोट है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी ओम को चाहने लगी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ओम से शादी करना चाहती हो? क्या कर रही है बहू? पागल हो गई है क्या तू? करना पड़ेगा दाइमा, आज नहीं तो हम और रज्जो की शादी के बाद। तू क्यों अपनी जान लेगी? ओम इतना अच्छा लड़का है, कितना शांत स्वभाव का है। ओम में कोई बुराई नहीं दाइमा, लेकिन ये शादी हो गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा जिसे रज्जो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी दाइमा। ऐसा तूफान, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अरे बेटा, आरती समाप्त हो गई।
अगर तेरा यही फैसला है तो तेरे इस फैसले को मैं यही खत्म करता हूँ। जिंदगी के फैसले इस तरह थोड़े किए जाते हैं। छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ चाहिए। अगर वो किसी और के साथ शादी करना चाहती है तो करने दीजिए उससे शादी। हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि शादी होने से पहले हमें सब कुछ बता दिया, वरना एक नहीं तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाती। किस किस्म के आदमी हैं आप? ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसा मत कहो। सॉरी। अगर ये सब बातें रज्जो को शादी के बाद मालूम हुई तो उसे ऐसा ना लगे कि मैंने और ओम ने उसके साथ विश्वासघात किया है। हो सकता है मेरी वजह से उनके रिश्ते में दरार पड़ जाए, उनका घर बर्बाद हो जाए। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो प्यार किसी से करती हैं और शादी किसी और से करनी पड़ती है। राजी तो पढ़ी लिखी है, समझदार लड़की है, उसे सब कुछ साफ साफ बता दे। हो सकता है कि राजी का दिल इतना बड़ा है कि यही अतीत नहीं, सात खून माफ कर दे। चल, उसे चलकर सब कुछ बता दे। चल। रज्जो, राजी, राजी, आज पहली बार मुझे भैया की कमी महसूस हुई। इस घर में मेरे प्यार के लिए जगह नहीं तो मेरे लिए भी जगह नहीं। रज्जो, तैमा कहाँ गई होगी? तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने तो उसे कह दिया कि भाभी तुम जिस तरह से कह रही हो उससे तो लगता है कि तुम खुद ओम को चाहने लगी हो। फिर सुमन ने क्या कहा? फिर भाभी ने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। फिर उसने हाथ रोका और रोते रोते अंदर चली गई। मगर सब नाटक था तुम्हें मुझसे छीनने के लिए, मुझे पता है। तुम सोचती हो कि सुमन आंसू बहाने का नाटक कर रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। ओम हम लोग भागकर शादी कर लेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक औरत एक मर्द के लिए इतना गिर सकती है। ये वो तमाचा जो सुमन तुम्हें मारना चाहती थी मगर मार ना सकी। सुमन को मुझे तुमसे छीनने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मैं हमेशा से सुमन का ही था और रहूंगा। समझी तुम? और वो सब जो तुमने मेरे साथ, वो सब नाटक था। तुम्हारे लिए मेरा प्यार नाटक था और सुमन के आंसू उतने ही सही थे जितना कि उसके लिए मेरा प्यार। मैं सुमन को ले जाने के मकसद से तो आया था और मैं दुनिया की हर उस लकीर को मिटा दूंगा जो मेरे और सुमन के बीच आएगी। यानी मेरे भाई का खून तुम ही ने किया था? हाँ, क्योंकि उसने मेरे सुमन को मुझसे छीन लिया। फिर वो सिंघानिया? अरे पगली, मैं ही तो हूँ सिंघानिया। तुम्हारी आंखों ने मुझे पहचान लिया था लेकिन तुम्हारे दिल ने तुम्हें धोखा दे दिया। धोखेबाज! आज क्या लिया हूँ? तुमने मेरे भाई को मार डाला।
It's gone. It's gone. I hate you. I hate you. मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी. नहीं छोडूंगी. सानिया का कत्ल भी मैंने ही किया था, तुम्हारे चाचा को भी मैंने ही मारा, उन दोनों को मेरी हकीकत का पता लग गया था, और अब तुम्हें भी, इसलिए जान चले जाएगी मालूम, सांस रुक रही है। कहाँ है? कहाँ है? राजन! राजन, तुम नहीं बच सकते! राजन, रुक जाओ! राजन! मुझे बचाओ, बचाओ! मैं राजी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सुमन को लेकर जाना यहाँ मेरे रुकने का मकसद था, जो कि तुम्हारे जीते जीना मुमकिन है, क्योंकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो। डोंट किल मी, मुझे जीने दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भगवान जानता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन लेकिन तुम मेरे बारे में इतना कुछ जान चुकी हो कि हम दोनों में से कोई एक इस दुनिया में जी सकता है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे बचाओ। देखो, अब अगर तुमने भगवान का नाम ही लिया है तो ये फैसला भी हम उस पर छोड़ देते हैं कि हम दोनों में से उसके पास कौन जाएगा। अकड़ बकड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 सौ से निकला धागा, चोर निकल के भागा। मैं जीत गया। यू आर आउट, यू आर आउट, यू हैव टू गो। आई एम सॉरी, गॉड इज विद मी। बालाजी, बाय बाय। राजे, 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 चीट, 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 चीट,
ये हो क्या रहा है इस शहर में? राजेश्वरी का कुछ पता नहीं चल रहा, कई दिनों से लापता है और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा। What's happening? Listen, वो मिस्टर ओम आ रहे हैं, उनसे कहना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। परेशान कर दिया इसने। उसको पकड़ नहीं पा रही। और अब राजेश्वरी, I want an explanation right now. Where is Mr. Rana? I'm dispatched the same. Hello, officer. राजेश्वरी जी का कुछ पता लगा? We are sorry, sir. हमारी सारी कोशिशों के बावजूद मिस राजेश्वरी रावल का कुछ पता नहीं चला, और हमारे पास ये मानने के सिवा कोई चारा नहीं कि मिस राजेश्वरी रावल इज डेड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दीजिए ये सब झूठ है, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी सुमन, ये गलत बोल रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो पुलिस कभी कभी। सुमन, सुमन क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? हाँ सुमन, क्या हुआ? क्या हुआ? सुमन, क्या हुआ? सुमन, क्या हुआ? सुमन, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? दादी आप समझाइए ना। बहू, 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 इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। देखिए, आप चाहें तो कल इन्हें घर ले जा सकते हैं। राजेश्वरी की मौत का इनको गहरा सदमा लगा है, इसलिए घर के उसी माहौल में ले जाना शायद ठीक नहीं रहेगा। आई सजेस्ट यू टेक हर फार अवे फ्रॉम हियर। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। बेटा, तू बहू को हिंदुस्तान ले जा, जगह बदलेगी तो उसका मन भी बदलेगा और बीतते वक्त के साथ घाव भी भर जाएगा। लेकिन मैं सुमन को अकेले कैसे ले जाऊं? क्यों, तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी तो नहीं? एक दूसरे को पहले से चाहते थे ना? हाँ बेटा, सुमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। होनी ने इसे तुमसे छीन लिया था, लेकिन अब उसका यही फैसला है, यही मर्जी कि जिसका हक है उसे मिल जाना चाहिए। आप कहती हैं तो इनकार कैसे कर सकता हूं, लेकिन सुमन मान जाए इसको शक है। नहीं नहीं, वो बात तुम मुझ पर छोड़ दो। तो मुझे बता यार, बड़े लोग बोलते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, पर मेरे साथ तो बुरा ही हुआ है। आज समझ गया, जो कुछ होता है बुरे के लिए होता है। बस ये सब उठा के फेंकता हूँ दरिया में ताकि लफड़ाई मिट जावे। पर ये झूले लाल एक कृपा कर, बस उसमें से कोई डेड बॉडी न निकले, कोई डेड बॉडी न निकले। ए भगवान, मेरी जिंदगी कैसा बदल गई ये देखो। अरे बाबा देख, थे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कैसा बदल गया इंसान देखो। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, दरिया तो दरिया है, पीछे कौन चढ़िया है? अरे बाप रे, मर गया। पुलिस पीछे किधर से आ रही है? मेरे पीछे बाबा। घुमाता हूँ गाड़ी, घुमाता हूँ बोट, घुमाता हूँ। आजा मेरे पीछे, देखता हूँ पुलिस हम भी देखो कैसा घुमाऊ में। आजा आजा, चला गया, चला गया, उधर चला गया। अरे बाबा बच गया, साईं बच गया। अरे बाबा बच गया, जेठूले लाल किनारे पे पहुंच गया। अरे क्या बाबा, मेरे पीछे कैसा मुसीबत आ रही है। अब ये सूट केस का क्या करें, इसको किधर भी मुसीबत को डाल दे, एक बार जान छूट जावे भाई। भगवान इसको किधर डाले, बाबा भगवान करे कोई यार इधर कोई खड्डे में गार दूं तो। कितना बड़ा खड्डा है, इसमें डाल देवे क्या?
लगा तो बहुत लंबा है यार, तो रस्सी भी लंबा है। बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कौन है? बाहर निकालो मुझे। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? अभी अंदर कोई भूत प्रेत तो नहीं है? अरे मुझे बचाओ। अरे कौन बचाओ, किसको बचाओ? मुझे बाहर निकालो। हमने डाला है क्या? मुझे बचाओ। किसने डाला है उसको बोलो ना, बचाओ। प्लीज। प्लीज क्या प्लीज, इंग्लिश बोलती है, मालूम नहीं कौन सा भूत है। भगवान के लिए मुझे बाहर निकालो। भगवान के वास्ते तुमको बचाएंगे तो मेरे को कौन बचाएगा? हे भगवान। तुमको सब वहां देखकर कितने खुश हो जाएंगे मालूम? माँ, बाबूजी, कौशल्या, सुमित्रा, छुटकी। कौशल्या की बेटी 3 साल की हो गई है, बाबूजी को तोतली जबान में भजन गा के सुनाती है, और बाबूजी को तो भक्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ तुम्हें बहुत याद करती है। और छुटकी बड़ी हो गई है, तुम्हारी ऐसी नकल उतार के बताती है कि हंस हंस के हम लोग की तो हालत खराब। लो, मैं अपने बारे में ही बके जा रहा हूं, तुम भी तो कुछ कहो। शादी के बाद परदेश आ गई, सोचती थी कैसे दिन गुजारूंगी यहाँ, लेकिन राजी ननन से ज्यादा सहेली साबित हुई। उसके सामने तो विजेंद्र जी की भी हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की, लेकिन भगवान ने। मैं हूं ना अब तुम्हारी। Come on!
अच्छे भले बच गए थे, मरने के लिए आ गई बेचारे। तुम छोड़ दो मुझे। सुमन मेरी बात सुन। सुमन ये क्या पागल बना है, चोट तो नहीं लगी तुम्हें कहीं? आगे मत बढ़ो, खून निकल रहा है तुम्हारे माथे से। ओम सुमन आगे मत आओ। सुमन प्लीज गो बैक। सुमन ओम प्लीज। सुमन मेरी बात तो सुन। आई किल यू। ओके ओके किल मी बाबा। सुमन एक बार मेरी बात सुन ले, देन यू किल मी ना। प्लीज जाओ जाओ जाओ। सुमन सुमन तो एक बार मेरी बात सुन ले, उसके बाद सुमन गोली चलाई मुझ पे। तू भूल गई कितना प्यार किया था तूने मुझसे? तू कैसे भूल गई कितना प्यार किया था तूने मुझसे? सुमन तू कैसे भूल गई? सुमन प्लीज जाना मुझे। कितना प्यार किया था हम लोगों ने, तू कैसे भूल गई? तू भूल कैसे गई सुमन? कैसे भूल सकती है तू? कैसे भूल सकती है तू हमारा प्यार? हाँ सुमन कौन साला बोलता है कि औरतें कमजोर होती हैं? तुम जाना चाहती थी ना कि मैंने तीन तीन खून क्यों किए, इस राज्य को क्यों मारना चाहा? तो सुनो सुनो, तुम्हारा विजेंद्र सिंह रावल कितना घटिया और नीच आदमी था, सुनोगी तो तुम दोनों का दिल तो क्या चट्टानों का सीना भी फट जाएगा। तुम्हारे बाबूजी ने जब तुम्हारी शादी मेरे साथ तय कर दी तो एक दिन विजेंद्र सिंह रावल मुझसे मिलने के लिए आया। विजेंद्र रावल कहते हैं मुझे। तो मुझसे क्या चाहिए? सुमन प्यार करता हूं मैं उससे। सुमन जैसे माल से कौन प्यार करना नहीं चाहेगा, खास तौर से तब जब उसका पाप इतना माला माल हो। देखो मेरे बाबूजी है ना इस गांव के बड़े माने हुए व्यक्ति हैं, वो हमेशा मेरा हाथ देकर कहते हैं इन हाथों में बड़ी जान है, अगर दोबारा सुमन का नाम अपनी जुबान पर लाया ना तो एक जान तो यहीं चली जाएगी। है जुबान पर, उसे तो मैं अपने पिस्तर पे लाऊंगा। अरे हमारे इंजीनियर साहब का झगड़ा हो रहा है, चलो। तुम्हारा सुमन की तरह देखा तो काट के रख दूंगा। जब वो नपुंसक मेरा प्यार खरीद ना सका तो उसने मेरे परिवार के पेट पे वार किया। महंत जगदम्बा प्रसाद, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं, यह रहा आपका वारंट। परंतु इंस्पेक्टर साहब मेरा अपराध क्या है? आप और आपके बेटे उन पर यह इल्जाम है कि आपने ठाकुर जी की मूर्ति पर चढ़े असली मुकुट और गहने बेचकर उसकी जगह पर नकली जेवर चढ़ा दिया है। इंस्पेक्टर साहब आपको कुछ गलतफहमी हुई है, देवता स्वरूप पिता पर इल्जाम लगाना खुद भगवान पर इल्जाम लगाने के बराबर है। मेरी पिताजी की ना पूजन करते हो
जरिए नकली है तो असली कहाँ है? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। क्यों महान जी, आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। किसी दूसरे गांव के लगते हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गए? उस दिन तो आप आए थे अपने लड़के के साथ और 20 लाख रुपए में ये गहने मुझे दे गए। ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास कीजिए, ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे हजारों टुकड़े कर दीजिए, मुझे फांसी पर चला दीजिए, मेरी आंखें फोड़ दीजिए, मुझ पर ये आरोप मत लगाइए कि मैंने अपने प्राण से प्यारे ठाकुर जी के गहने चुराए हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो ये झूठ बोल रहा है? तो गहनों को पैर लग गए थे जो खुद चलकर साहूकार के पास आ गए? मुझे नहीं मालूम। और ये साला मुझे बेचने की कोशिश कर रहा था। नो वायलेंस प्लीज। ए हथकड़ी मान जी, हम आपको गहने चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। ठहरो इंस्पेक्टर साहब, यह हमारे गांव का मामला है और हम सब गांव वाले इसे आपस में निपट लेंगे। चुप आइयो। पुलिस वाले आए हैं, बाबूजी को गिरफ्तार कर रहे हैं। बाबूजी को गिरफ्तार कर रहे? मंदिर में बैठकर मेरे बाबूजी गांव के छोटे छोटे बच्चों को हिंसा के पाठ पढ़ाते थे ना, उसी मंदिर के सामने गांव वालों ने हिंसा की सीमा को पार कर दी। गांव वाले अपने कलाई के ऊपर राखी बंधवाते थे, उन्हीं हाथों से उन्होंने मेरी बहनों की इज्जत पे हाथ डाला। कौशल्या, सुमित्रा, Oh!
मत रो, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन मैं हूं ना। चल एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हें खूनी और दरिंदे हो। अरे विजेंद्र सिंह रावल एक राक्षस था, राक्षस का संहार किया है मैंने। किसी युग में जन्म लेता ना तो देवता कहते जयकार होती, पूजा करते लोग मेरी, और तू कोस रही है मुझको, विजेंद्र सिंह रावल मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी था, मेरा पति था वो। उसने अगर मेरी मांग में सिंदूर से लिख दिया कि मैं एक दरिंदे की पत्नी हूं तो वो उसका हक था। लेकिन तुमसे तो मैंने प्यार किया था, तुमने कैसे मेरे दिल पर तीन तीन लोगों के खून से लिख दिया कि मैं एक वैश्य की प्रेमिका हूं। कैसे हूं ये जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा ओम नहीं है, नहीं तुमने मेरे ओम को मार दिया। बोल दे कि झूठ है सुमन, बोल दे कि झूठ है। देख देख इंसान को जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और हम दोनों के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तू तू ऐसा मत बोल, कह दे कि झूठ है। ए राजी, तू समझा ना इसको, समझा इसको। भाभी भाभी, जिस जिंदगी को मेरे भाई ने खत्म किया उसे दोबारा बसाने का आज तुम्हें इतना बड़ा मौका मिल रहा है, इसे मत छोड़ो। मैं कह रही हूँ, राजी कह रही है। सुमन, मैंने वादा किया है दरख्तों से, हवाओं से, बादलों से, खेतों की हरियालियों से, झूमती बहारों से, फूलों से, पत्तों से, पहाड़ों से, जर्रे जर्रे चप्पे चप्पे से वादा किया कि मैं अपनी सुमन को लेकर आऊंगा और तू आने से इनकार कर रही है। तुम पागल हो गई है क्या? भगवान के लिए मान जाओ, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। सुमन देख, न जाने कैसी प्रतिशोध की आग है मेरे हाथों में, तीन खून में कर चुका हूँ, कहीं चौथा खून ना हो जाए मेरे हाथों से। I hate you. सुमन, सुमन, मैं बार-बार यही करती रहूँगी। Bobby, I hate you. सुमन, I hate you. सुमन, 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 Bobby, I hate you. Yes, I hate you. I hate you. I hate you.